नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि होने वाला है आपका कंप्लीट एक पैकेज है, जिसमें मैंने आपके लिए डाले हैं 50,000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। यानी कि मुझे उम्मीद है आपने कितना भी पढ़ा हो, मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसमें से आप कुछ ना कुछ तो भाई छोड़ ही देंगे। कितने भी रही आप धुरंधर बने रहना, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ऐसा तो नहीं, मैं ये जीरो जो है मैं गलती से मैंने लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके लिए तैयार कर लिए, अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा लगा कि आप लोगों को, क्योंकि देखो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आप लोग बस एक लाइक और प्यारा से एक जो है सुंदर सी कमेंट कर दिया करें चमकदार अक्षरों में, इतना काफ़ी है। मैं 50 घंटे, 70 घंटे, 100 घंटे, 700 घंटे तक का मटेरियल चैनल पर डाल रखा हूँ। ऐसा नहीं कि लोग देखते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जो कोरोना काल में जो गायब में रहा, उसमें जो बड़े बड़े जो माफिया थे, जो शिक्षा के, जो एजुकेशन के माफिया थे, वो भी ऑनलाइन आ गए। तो हम जो छोटे लोग हैं, जो कि इंडिविजुअल है, एक तरह से व्यक्तिगत रूप से अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, तो हमें टक्कर लेने भाई हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बात इस बात की गारंटी है कि आज नहीं तो कल चलेगा अपना भी गाड़ी बहुत तेज। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो लोग जो है बड़ी दुकान और फीके पकवान से दूर रहना चाहते हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत से साथी हैं, बहन है, भाई हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए 50,000 जो है। मुझे उम्मीद है अब ये 50,000 होंगे काय के, एक नज़र डाल देते हैं जनरल स्टडीज़ के, यानी कि सामान्य अध्ययन के, ये जो है MCQs होने वाले हैं। और इसमें से गारंटी लेता हूँ, मैं अपनी अम्मा की कसम तो नहीं खा सकता क्योंकि अम्मा हमारी एक ही है, लेकिन मैं ईश्वर की सौगंध खाकर इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको जो देने वाला हूँ वो तो ना आप किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा और ना ही आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैं दे रहा हूँ आपको, टेक्स्ट मान लीजिए कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो आपको मिल जाएगा, आपको कहीं एक आध इमेज मिल जाएगी, मैं सब कुछ मैं एक साथ देने वाला हूँ। और आप क्वेश्चंस जाकर मिलान कर लेना किसी बुक में, कहीं पर भी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इस जैसे प्रश्न भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप कुछ मत करना, आप इसका ऑडियो बना लेना और कान में ईयरफोन लगा के इसको सुनते रहना। मैं कह रहा हूँ कि 50,000 में से मैं कह रहा हूँ 30,000 भी अगर क्वेश्चन आपने सुन लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम इसमें से 20,000 तो रिपीटेड होंगे, जो हमेशा आते रहते हैं, यानी कि ऊपर नीचे एक दूसरे के होते रहते हैं, यानी करण अर्जुन की तरह, कभी करण भारी, कभी अर्जुन भारी, कभी ये भारी, कभी वो भारी, कभी दोनों बराबर हो जाते, इस तरह से वो क्या रहेगा, चलता रहता है और इनमें से रिपीट होते रहते हो। और एक्सपेक्टेड का मतलब है कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके आने की संभावना बनी ही रहती है, कि गारंटी भी इस बात की है कि उनमें से आते ही आते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, शब्द वही है, बस क्या कर रहे हैं आगे पीछे करके हमको दे रहे हैं उलझाने के लिए, क्योंकि देखो जनसंख्या का दबाव बनी रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं टफ कर रहे हैं, ताकि जिन देखो जो पढ़े लिखे नहीं है, सीधा सवाल, सरकार उन्हें नहीं लेना चाहती है, जो अंगूठा छापे सरकार उन्हें नहीं लेना चाहती है, वो सिवाय बोझ के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप बोझ मत बनिए, मेहनत करिए, बेड़ा पार करने का आप साधन ढूंढिए। आप पैसे खर्च करते हैं, मानता हूँ बड़ी बड़ी दुकान पे आप जा जाके क्वेश्चन वगैरह तमाम चीज़ें लेते रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक बार यहाँ पर जो है आप आनंद लीजिए। मैं आपको 50 घंटे भी बैठा होऊंगा तो मैं बोर नहीं होने दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ों में मेरा जो है भावनात्मक जो है थोड़ा सा लगाव ज़्यादा रहता है, मैं किसकी किसी टॉपिक की ओर थोड़ा ज़्यादा खींची जाता हूँ, लेकिन उस टॉपिक में भी आपको बोर नहीं होने दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जो है आगे इस पर बढ़ देते हैं। और बढ़ने से पहले हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपकी ये जो प्रश्न की बात करूँ तो UPPCS, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, लॉ, टेट, सुपर टेट, XYZ, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपके GS से जुड़े हुए प्रश्न यदि आते हैं, लॉ से जुड़े हुए यदि प्रश्न आते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप इस वीडियो को देख लेना, आपके 8-10 प्रश्न जो है आप आगे ही रहेंगे, आपके 8-10 प्रश्न चुटकी बजाते ही आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो मैंने पार्ट्स में बांट रखा है, मैंने किस तरह से दिया है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया है आपका हिस्ट्री का, हिस्ट्री के MCQs है, तो हिस्ट्री को मैंने कैसे बांटा है, प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक में। अब प्राचीन को भी पूरे अलग से बांट दिया, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मतलब टॉपिक वाइज बांट रखा है, ताकि आपको चीज़ों में समझने में आसानी हो। चीज़ों को आपको मान लीजिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न चाहिए, अब भैया कहाँ से ढूंढोगे, 50,000 में सिंधु घाटी सभ्यता ढूंढोगे, आपके तो लग जाएंगे एल, तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करना सिंधु घाटी सभ्यता MCQs,
फॉर अनुराग मिश्रा, मतलब वाई अनुराग मिश्रा, आप सर्च करेंगे तुरंत आपका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, इस तरह से बांट रखा है। तो आपका मतलब सिंधु घाटी से मान लीजिए 200 प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल से मान लीजिए 300 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, 125 प्रश्न है, आप मान लीजिए सल्तनत काल से 500 प्रश्न बन रहे हैं, तो ऐसे मिला मिलू के मान लीजिए हिस्ट्री के मैं कम से कम 7000 प्रश्न आपके देने वाला हूँ टोटल तीनों के मिला के। पॉलिटी के लगभग करीब 2 से 3 हज़ार प्रश्न आपके हो जाएंगे, ज्योग्राफी के करीब करीब 7 से 8 हज़ार प्रश्न हो जाएंगे। ऐसे मिला मिलू के सबके अगर देखा जाए तो टोटल प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं कम से कम मैं बताऊँ तो आपको करीब 40 हज़ार से 45 हज़ार के बीच में बनते हैं। और 5 हज़ार प्रश्न जो मैं कोशिश करूँगा आपके देने की वो क्या होगा करंट अफेयर की देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नज़र हम लोग देख लेते हैं क्या क्या देने वाला हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, उसके बाद इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, हिंदी, ऑल स्टेट जी के, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इंडियन हिस्ट्री हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, इंडियन पॉलिटी हो जाता है, स्कीम्स जो है कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में भी इसमें प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो एक्ट्स, जो एक्ट्स होते हैं अधिनियम वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो संशोधन वगैरह हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं, उसके बाद कुछ समितियाँ हैं समिट्स कमिटीज, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आईटी जिसके मैंने काफ़ी प्रश्न बना भी दिए हैं आप लोगों को, जो है एक वीडियो दे भी दिया है, जनरल नॉलेज जिसमें हम जीके के नाम से भी जानते हैं, और करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के ये पहला वीडियो होने वाला है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे का मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक है जो कि आपका होने वाला है प्राचीन भारत, मतलब भारत के इतिहास का, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का। और इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपको देने की कोशिश की है वो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग मैंने वीडियो क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं 5000, ठीक है, मुझे 5 से 7 के बीच मैंने तैयार कर दिए और भी तैयार हो रहे हैं, जिसको अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत के इतिहास को मैंने पढ़ा दिया। और बता दूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका प्राचीन भारत से इतिहास से, यदि आपका उसमें है आप इस वीडियो को देखना, मुझे उम्मीद है कि आपका एक टॉपिक से 10-10 तरह के प्रश्न आपके बनेंगे, वो सारे के सारे जो है आप यहाँ पर हल कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो कोई कष्ट होगा ना कोई परेशानी होगी, बल्कि आपको कुछ ना कुछ इतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको किसी फालतू की वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, हल्का सा बेस मैं आपको बना के दे देता हूँ, उसके बाद सीधे क्वेश्चन की ओर आ जाऊँगा, ठीक है। अगर बात की जाए प्राचीन भारत के, यानी कि इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले प्रश्न देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरी हिस्ट्री या कहें प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल होता कौन सा काल है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इतिहास को किस तरह से बांटा जाता है, ये आपका पूरा इतिहास हो जाता है। इतिहास को देखा जाए सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है प्रागैतिहासिक काल। ये कहाँ से शुरू होता है, तो अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय काल मान लेते हैं इसमें, ठीक है। अज्ञात काल आप मान लेते हैं, अज्ञात का मतलब कोई 20 लाख वर्ष पहले ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय मानता है, कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है, अलग अलग मतलब इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। क्योंकि हमने लिख दिया अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के समय काल को प्रागैतिहासिक काल का समय काल माना जाता है। इस प्रागैतिहासिक काल की अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो आ जाता है पाषाण युग आ जाता है। पाषाण मतलब स्टोन एज की शुरुआत होती है, यहाँ से स्टोन एज की बात होती है। स्टोन एज की अगर बात करें तो हम कितने भागों में बांटते हैं, मोटा मोटी 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तो जबरदस्ती घुस दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम 4 मान लेते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका नव पाषाण। मध्य और नव पाषाण के मध्य का जो काल होता है उसको उत्तर पाषाण काल कह देते हैं। वहीं आपका पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पुरापाषाण हम इसको कह देते हैं। वहीं आपका आद्य ऐतिहासिक, अब एक चीज ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि लगभग 100 से 125 प्रश्न आपके बन जाएंगे। उसके बाद बात आ जाती है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख टॉपिक जो हो जाता है वो आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय काल।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ऐतिहासिक काल। कुछ इतिहास जो है, इतिहासकार जो है वैदिक काल को भी जो है आद्य ऐतिहासिक काल में मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रख दिया है कि इतिहास ऐतिहासिक युग में आ जाता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ साक्ष्य मिल जाता है। लेकिन तो वैदिक सभ्यता आ जाता है इसमें 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल, जिसमें ऋग्वैदिक आ जाता है और उत्तर वैदिक आ जाता है। ऋग्वैदिक की बात की जाए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आप इसका अगर वीडियो देखना चाहते हो, मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया है। उसके बाद बात आती है आपके ऐतिहासिक काल, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1964 तक का समय काल मानते हैं कुछ इतिहासकार। क्यों मानते हैं? जब आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके वहाँ तक जो है क्या मानते हैं, ऐतिहासिक काल मानते हैं, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास मानते हैं। तो ऐतिहासिक युग की अगर बात की जाए, तो हम यहाँ से मानते हैं जो आपके ईसा मसीह होते हैं उनके जन्म के बाद, ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का, ठीक है। मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक का समय काल। आधुनिक भारत की अगर बात करें तो 1707 से लेकर 1964 तक का। अब इनकी अगर बात करें कौन कौन सी घटनाएं आ जाती हैं, तो देखो प्राचीन काल की अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712, तो जहाँ पर आपके हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है और मध्यकालीन शुरू हो जाता है। 712 में जो है आपके जो है मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करने लगते हैं, तो यहाँ पर जो है मध्यकालीन शुरू हो जाता है। उसके बाद 1707, तो 1707 की अगर बात की जाए करें तो आपका जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो 1707 का काल जो होता है वो काल विभाजन का काल माना जाता है, मतलब काल विभाजन का समय माना जाता है, यानी कि इतिहास में एक काल विभाजन का कार्य करता है। इधर क्या होता है, 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है और आधुनिक भारत का शुरुआत हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ऐतिहासिक काल एक तरह से मोटा मोटी मैंने बता दिया। अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो आइए थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं बेस बना देता हूँ आपके लिए। तो प्रागैतिहासिक संस्कृत समझने से पहले मैंने बताया कि एक नज़र जो है भारतीय ऐतिहासिक काल विभाजन के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, तो उसको मैंने हल्का सा बता दिया कि साधारण रूप से भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मानव की उत्पत्ति से 2500 ईसा पूर्व यानी कि 2500 ईसा पूर्व तक का समय काल यहाँ पर माना जाता है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए, आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसको कहते हैं, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है। वहीं ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए, तो हिस्टोरिक पीरियड की बात की जाए, तो 600 ईसा पूर्व से आगे का जो समय काल होता है उसको ऐतिहासिक काल बोल देते हैं, और मोटा मोटी आधुनिक। अब एक चीज़ आती है समझ में, यहाँ पर समझाने वाली बात अगर आती है कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसमें जो है इसको लिखने के या फिर जो इसको समझने के कौन कौन से साक्ष्य मौजूद होते हैं, केवल इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है, प्री हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है भैया? दूसरा जो काल आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें आपका पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जो जमीन से खुद के मिलते हैं, सिक्के हो गए, आपके अवशेष हो गए, फॉसिल्स जिसको बोल देते हैं, जीवाश्म हो जाते हैं, आपकी मूर्तियां हो गई, कोई जमीन वगैरह मिल गया, कोई अनाज वगैरह मिल गया, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जो खुदाई से मिलता है। तो खुदाई में मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल में, और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की एक खास बात ये होती है कि लिखित साक्ष्य तो मिल जाते हैं भैया, लिखा पढ़ा तो मिल जाता है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखा हुआ तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, खुदाई से बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े शहर मिलते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं, बड़े बड़े माल मिलते हैं खुदाई से, लेकिन खुदाई से मिलने के बाद एक चीज़ और मिलती है, क्या मिलती है? लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। अब बात आती है तीसरा काल, ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें क्या है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो देखो लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य का इस्तेमाल हो रहा है, और लिखित साक्ष्य यानी कि मिला भी है और साथ में उसका उसको पढ़ा भी गया है। तो यहाँ पर तीनों की अगर तुलना करें, देखो प्रागैतिहासिक काल की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं भैया, मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं भैया, लिखित साक्ष्य बिल्कुल ना के बराबर हैं, यानी कि है ही नहीं एक तरह से, ठीक है, नहीं हुआ। वहीं आता है आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं भैया, मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं भैया, मिलते हैं, तो क्या पढ़ा जा सका है? उनको नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है, आद्य हुआ मतलब पढ़ा ना जा सका। वहीं आ जाता है ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिलते हैं भैया, मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं भैया, मिलते हैं, तो क्या उसको पढ़ा जा सका है? भैया पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा परिचय इतिहास का काल विभाजन। तो इससे मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि हाँ आगे जाके जो है चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर जो है व्हाट इज द वी सी एन ए डी, वाई आर दे यूज्ड फॉर हिस्ट्री,
हिस्ट्री डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करते हैं, आपका फर्स्ट थे, और उसको जानने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ऐसे काल को कहते हैं जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता। फिर से बता दूं, हाँ, पर किसके क्वेश्चन लेने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया, प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ऐसे काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समय काल का मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। भैया किस समय का, प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य जो था क्या नहीं जानता था, ना तो लिखना जानता था और ना ही वह पढ़ना जानता था। समझ पा रहे ना, तो इस काल के इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार को केवल पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था तो कोई न तो ग्रंथ था और ना कोई अभिलेख या फिर कोई किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या कहें प्री हिस्टोरिक एज या कहें प्री हिस्ट्री में आपका कुछ भी नहीं मिलता है लिखित में, केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। भैया क्लियर हो गया है आपको, तो चलिए फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1। और मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आने वाला है, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर मज़ा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को पसंद करेंगे, और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आप लोग आनंद लेते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेट अपने मुझे भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना होता है, एक चमचमाती हुई कमेंट करके आई लव यू ही लिख देना, जो मन में आए बस लिख देना। मैं चाहता हूँ ये कमेंट करके आप थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मत लिखना आई लव यू आई हेट यू लिख देना, जो भी लिखना हो बस लिख देना, ताकि लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोग देखते हैं, डाउनलोड करते हैं। मैं बड़ा बनाता हूँ, लोग कहते हैं ओ माय गॉड इतना बड़ा वीडियो, तो वो मैं मानता हूँ बड़े बड़े वीडियो बना देता हूँ, इसलिए लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं आपका फर्स्ट, और आइए देखते हैं, नज़र डालते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, और यहीं से ही भोले का नाम लेते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको आनंद आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फिर से बता दूँ, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सबसे पहला कथन जो आपका आ जाता है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था। भैया ये तो बात कई जगह आपको मिल जाती है कि प्रथम शती ईस्वी में आपका जो है चीरफाड़ जो है, कहते हैं ना कि शल्य चिकित्सा होता है ना, जो सर्जरी वगैरह होती है, क्या हो पाई थी? तो भैया आपको साक्ष्य मिल जाते हैं कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का प्रयोग होना एक आम बात हो गई थी। तो आपका ये जो है कथन क्या है, पहला सही हो जाता है, ध्यान से समझना। कोई नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो भैया नहीं, मानव शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण मतलब मान लीजिए आप अंग निकाला, सीने से दिल निकाला, दिल तो नहीं होता मतलब हृदय होता है, निकाला और किसी और को दे दिया, मतलब ये देना मैंने तिल तुझको दिया, ये दिल जो दे दिया थे ना आदान प्रदान, थोड़ा प्रेम में देना वाली बात, ये तो पुराने जमाने से चला रहा है, लेकिन अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा था, मतलब प्यार में तो दे देते हैं दिल, मैंने तुझको दे दिया तूने मुझे दे दिया, ये चीज़ अलग थी, लेकिन यहाँ इससे कोई संबंध नहीं है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, नहीं हुआ था। जो एक सटीक जो है प्रत्यारोपण जो है लगभग अगर देखा जाए तो 18वीं शती के आसपास, मतलब 1857-58 ऐसे के करीब आसपास जो है पहली बार हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था। पता नहीं क्या ट्रांसप्लांट हुआ था, इसकी जानकारी नहीं, अगर कुछ जानकारी हो तो आप बताना। तो हृदय का ट्रांसप्लांट या फिर किसी भी अंग का ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि प्रत्यारोपण हुआ था, तो यहाँ पर आपका हो जाता है नंबर 2 गलत। अब यहाँ पर देखिए 1 सही किसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है सही, ठीक है, इसमें नहीं है गलत हो रहा है, इसमें आ रहा है हाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ आ रहा है। अब देखते हैं हमारे पास 3 है, अब देखिए 2 गलत हो रहा है तो किसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है तो ये भी कट जाएगा, इसमें आ रहा है तो ये भी कट जाएगा, तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा ये। चलिए एक बार टेस्टिंग करते हैं, माइक टेस्टिंग। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात किया गया था, तो भैया बिल्कुल किया गया था,
अब किसके द्वारा किया गया था तो ये आप हमको बताना, क्या कमेंट करके, मैंने बताया ना सुंदर सी चमकदार अक्षर में कमेंट करके, मैंने कहा ना कुछ भी लिख दीजिए, आई लव यू लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई वाला मान लीजिए। चलिए तो क्या ये हुआ, तो ये सही है। तो आपका क्या सही आ रहा है, वन सही आ रहा है, इसमें थ्री सही आ रहा है। अब देखते हैं फोर, सातवीं सती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका टू गलत था, तो हमारा किस में टू है, इसमें टू है, तो ये कट जाएगा, तो सीधा तो उत्तर है आपका ये, यानी कि एक तीन ठीक है और चार, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रास्म काल में ठीक है महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरफ दबा रखकर दफनाते थे। फिर से बता दूं, ताम्रास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण करके, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर, पूर्व से पश्चिम की ओर, आप उत्तर दे सकते हैं, मैं 30 सेकंड रुकने की कोशिश करूंगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या आपका उत्तर होना चाहिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ये जो है महल वाह है, मतलब मैप वाह है, स्क्रीनशॉट आप इसका ना लेना भूलें। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर, इस तरह से दफनाया करते थे। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। फिर से बता दूं, उत्खनित क्या बोलते हैं इसको, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का क्या पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, या कब मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपका उत्तर इसमें क्या होना चाहिए, निचले पूर्व पाषाण में, या इसको कह सकते हैं, मेरे कमीनापन करते हैं, देखो हिंदी भाषा में क्या करते हैं, मतलब पूरी कोशिश करते हैं जो हिंदी भाषी लोग होते हैं, जो एग्जाम में पेपर में बैठते हैं, वो जो पेपर बनाने बैठते हैं, इनकी माँ का रामू काका, तो वो कोशिश करते हैं कि आपकी ऐसे ली जाए, ऐसी मतलब ऐसे ली जाए, ऐसे ली जाए कि आप चिल्लाने लगे, ओ माई गॉड, हमसे ना हो पाएगा भैया। तो देखो इन्होंने किस तरह से कमीनापन किया है, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये कहेंगे शरीफों वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, हम शरीफ थे ही नहीं कभी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये शरीफ हम कभी नहीं थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दूँ, मैंने क्या बताया, निचले मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल में, तो भैया निम्न पूर्व पाषाण काल में, तो भैया बिल्कुल नहीं, प्रमाणों से किसके, पशुपालन की प्रारंभ की बात हो रही है, मध्य पूर्व पाषाण काल में, तो भैया नहीं, ऊपरी, अब समझ रहे हो ना, उत्तरी या कहीं ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, भैया बिल्कुल नहीं, मध्य पाषाण काल में। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, बात को समझना, पुरा पाषाण काल नंबर एक, पाषाण काल एक चीज ध्यान ध्यान समझिए, पाषाण काल की बात हो रही है, पूर्व इन्होंने जबरदस्ती लगा दिया पाषाण काल, यानी कि ये पुरा पाषाण काल है, इतना मान लीजिए, पूर्व या पुरा पाषाण काल, ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण पाषाण काल, ठीक, ये हो गया। अब नंबर एक हो गया, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में, पुरा पाषाण काल एक हो गया, नंबर दो मध्य पाषाण काल दो हो गया, और नंबर तीन उच्च पाषाण काल, या कहें उत्तर पाषाण काल, ठीक है, तो उत्तर या वो सॉरी नव पाषाण काल मान लीजिए, नव पाषाण काल, तो ये तीन पाषाण काल हैं। अब यहां पर एक बात आती है, उल्लू बनाने के लिए बता रहा हूं मैं किस तरह से उन्होंने रखा, इस पाषाण काल को उठा लिया, पाषाण काल के पुरा पाषाण है ना, पुरा पाषाण के तीन भागों में बांटा जाता है, निम्न पुरा पाषाण काल, तो इसको निचला पुरा पाषाण काल कर दिया, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, तो ये इसका दूसरा भाग हो गया, और ऊपरी
ऊपरी पूर्व पुरापाषाण काल, तो ये पुरापाषाण काल के ही तीन भाग हैं, ना कि मध्य और पाषाण काल वगैरह वगैरह। तो हमारा सीधा सा उत्तर हो जाएगा, इनमें तो जूता मार दीजिए आप कस के, ताकि ये कभी दोबारा देखे ना। और समझ लीजिए कि आपको आपके सिलेक्शन को, आपका सिलेक्शन मतलब आपके लिए ना है इनकी, मतलब इनको एग्जाम एग्जाम हिंदी भाषियों को केवल वहां पे उलझा देना है। आप कैसे भी कहो भैया इससे अच्छी तो भाई इंग्लिश है, तो हमको क्या बनाना है, हमको 100% गुलाम बनाना है, जैसे हम थे अंग्रेजों के। हाँ, अंग्रेजों का गोबर हमको खाना है, मतलब अंग्रेजी पे फोकस करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसी को समझिए, ये आपको उल्लू बना रहे हैं, कोई बात नहीं। मध्य पाषाण काल में आपका पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, क्लियर हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, नव पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या पुरा पाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। देखियो है उल्लू बना दिया ना आपको, चलिए प्रोटो मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्री क्या हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, और आद्य मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है। तो इन्होंने क्या कर दिया उल्लू बनाने की, आपको क्या कर दिया कि हिंदी भाषी है तो उन्होंने प्रोटो घुस दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया आपकी तो ले ली, कह के ले ली ना, क्या ले ली खबर ले ली, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। तो आप हम इसको समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में, निम्न पाषाण काल, वो सॉरी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल है उसमें काय के साक्ष्य मिलते हैं, आप पशुपालन करते थे, वो सॉरी आप शिकार करते थे, आपका मुख्य कार्य शिकार था। मध्य पाषाण काल में मैंने क्या बताया था पीछे, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में आप क्या करते थे, मध्य पाषाण काल में आप पशुपालन करना सीख गए थे। अब खाद्यान्न यानी कि कृषि करना कब शुरू किया था, तो आपने नव पाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा इसमें क्या, आपका उत्तर होगा ए, ठीक है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है, चोपानी मांडू से, सराय नागर राय से, या फिर लेखिया से, या फिर लंगना से। तो आपका उत्तर हो जाएगा चोपानी मांडू। चोपानी मांडू से आपका क्या मिलता है, चोपानी मांडू से आपका, चोपानी मांडू से, हाँ एक मिनट, चोपानी मांडू से आपका क्या मिलता है, चोपानी मांडू से आपका क्या मिलता है, आपका धान के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है, निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, या फिर उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, या फिर हड़प्पा संस्कृति। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दूं, मैंने बताया था कि ये है आपका मान लीजिए प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यानी ऐसा समय काल जिसमें किसी भी तरह के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उसमें मनुष्य जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो इस तरह के समय काल को क्या कहा जाता था, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था, ठीक है। इस समय केवल क्या मिलता है हमें, प्रागैतिहासिक काल में हमें केवल और केवल क्या मिलता है, हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उससे ही हमारा सारा कुछ लेखा जोखा बनता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के समय काल की अगर बात की जाए तो अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है, जब तक कि आपका हड़प्पा कालीन संस्कृति नहीं आ जाती है तब तक। तो आपका पुरापाषाण की बात करें तो पुरापाषाण काल को हम तीन भागों में बांट देते हैं, कौन कौन से तीन भाग हैं, तो आइए थोड़ा सा एक नज़र हम डालते हैं तीन भाग। पहला भाग मैंने क्या बताया था, तो पाषाण काल की पहले बात करता हूँ, पाषाण काल की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है पुरा पाषाण काल, अलग से लगा लेना पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल अलग लगा लेना, ठीक है, और पुरा और नव पाषाण काल, नव पाषाण, ठीक है काल। अब एक चीज ध्यान देना, इस पुरा पाषाण को उठा लेते हैं, इस पुरा पाषाण को, और यहां पर ले आते हैं पुरा पाषाण की अगर बात करें तो पुरा पाषाण को फिर से तीन भागों में बांट देते हैं, जिसका समय काल की अगर बात करें तो तीन भागों में बट जाता है। सबसे पहले आ जाता है ये पुरा पाषाण, एक साथ लगेगा निम्न, समझिए बात को, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, निम्न मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, ये हो गया ना क्लियर। अब आपको इसको समझते हैं, निम्न पुरापाषाण का समय काल की बात करें
तो आपका हो जाता है अज्ञात काल से 10, या कहें 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का। मध्य पुरापाषाण की बात करें तो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का समय काल। उच्च पुरापाषाण की बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय काल। तो ये क्या हो गए, पुरापाषाण के 3 भाग हो गए। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां अब ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल का जो समय काल था यहां पर क्या था, जो निम्न मतलब निम्न मध्य और उच्च पुरापाषाण है उसमें क्या था कि जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो हमारे हथियार थे वो समय के साथ क्या होते जा रहे थे, नुकीले होते जा रहे थे। तो जो नुकीले जाते थे ना, फलक होता है ना ऊपर की खाल, मान लीजिए पत्थर है, पत्थर का खाल मान लीजिए, पत्थर का खाल जो है, तो यहाँ पर क्या एकदम नुकीले बनने लगे थे। किस काल में, आपका मीथोलिथिक, इसको कह सकते हैं मीथोलिथिक एज, एक मोटा मोटी कह सकते हैं, मोटा मोटी कह सकते हैं मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। तो हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का समय काल निम्न पुरा पाषाण काल कहलाएगा। मध्य पुरा पाषाण की बात करें तो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का समय का मध्य पुरा पाषाण कालीन। उच्च पुरा पाषाण की बात करें तो आपका 10,000, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय काल उच्च पुरा पाषाण कालीन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा कहाँ पर बात आती है, क्या निम्न पुरा पाषाण कालीन को क्या कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं? नहीं कहते हैं भैया, उच्च मध्य पुरापाषाण कालीन को फलक संस्कृति कहते हैं भैया? तो भैया बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि पुरापाषाण काल जो हुआ करता था उसको क्या कहा जाता है, इस तीनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं आखेटक तथा खाद्य संग्राहक, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक। निम्न पुरापाषाण को हम आरंभिक पुरापाषाण काल भी कह देते हैं, आरंभिक पुरापाषाण काल भी कह देते हैं। तो यहां पर जो है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को हम क्या कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। फिर से बता दूं, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को हम क्या कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि यहाँ के समय में क्या था, यहाँ के समय में आपका मनुष्य जो था, मानव जो था, वो नुकीले औजारों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। निम्न पुरापाषाण कालीन की अगर बात की जाए, निम्न पुरापाषाण कालीन का मनुष्य जो है क्या था, आग जलाने वाला मनुष्य था, आग जलाने वाला मनुष्य था। और निम्न पुरापाषाण काल के मनुष्य को हम क्या कहते हैं, चौपर चौपिंग संस्कृति भी कहते थे, या कहें चौपर चौपिंग या पेबल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भाई मध्य पुरापाषाण कालीन को हम किस नाम से जानते हैं, मध्य पुरापाषाण कालीन को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। निम्न मध्य पुरापाषाण कालीन के कुछ अगर स्थानों की बात करें तो आपका आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में पड़ता है, होशंगाबाद जहाँ तक अंदाज है, मुझे उम्मीद है कि आपका महाराष्ट्र वाले मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा आ जाता है भीमबेटका, भीमबेटका जो है भोपाल के पास में एक जगह पड़ती है जो कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। वहीं आपकी राजस्थान की बात करें मध्य पुरापाषाण कालीन की, या फिर मध्य पाषाण युग की बात करें, तो आपका हो जाता है बागोर, जो कि आपका भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरह से हो जाते हैं। तो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं आप जाके चले जाइए। तो यहाँ पर हमने बात की निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है, तो आपका मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा जाता है, आपका फलक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। सराय नाहगर राय और महदहा संबंधित है किससे, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है, फिर से बता दूं, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो आप अब एक बार लिख लीजिए, आपको मैं लिखा देता हूँ, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मध्य पाषाण युग के कुछ स्थल लिख लीजिए। सबसे पहला मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश में दो तीन जगह हैं। सबसे पहला आदमगढ़, जो कि आपका होशंगाबाद जिले में पड़ता है। दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका, जो कि आपके भोपाल के पास पड़ जाता है। तीसरा आपका हो जाता है बोधोर, बोधोर जो कि आपका सिद्धि, एक जगह पड़ती है सिद्धि, सिद्धि के पास में आपका देखने को मिल जाता है। ये एमपी के होगा क्या, मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र, समझ रहे बात को, समझिए। तो इसमें क्या, यहाँ पर बात क्या आ रही है, सराय नागर और महदहा। तो सराय नागर किस जगह पड़ते हैं, सराय नागर की, सराय नाहर राय की अगर बात की जाए तो आपका ये पड़ता है, ये एक ही जगह है, एक ही जगह है, सराय नाहर और महदहा जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जगह पड़ती है मेजा, मेजा के पास में पड़ता है। और सराय नागर राय की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है प्रतापगढ़, आप प्रयागराज के पास में चलेंगे ना तो वहां पर एक जगह पड़ती है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के पास पड़ती है। अब एक अंदाज लगाइए,
क्या गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति? तो यहाँ पर जो है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के मैं क्षेत्र बता रहा था, मध्य प्रदेश में आप लिख लेंगे तो आदमगढ़, भीमबेटका और बोगोर। राजस्थान की बात करें तो बागोर जो कि भीलवाड़ा के पास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका मेहदहा या फिर महदहा कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है नागर सराय नाहर राय, सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ के पास पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हो गए। तो आपने लिख लिया मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका, बोधोर, राजस्थान में बागोर, और बागोर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, ये कुछ हो गए। तो आपका उत्तर आप समझ गए होंगे, आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, निम्न पूर्व का पाषाण काल से संबंधित, मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित, उच्च पूर्व पाषाण कालीन समय से संबंधित, या फिर मध्य पाषाण काल से संबंधित। फिर से बता दूं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित। अब ये उच्च पूर्व पाषाण काल क्या है, तो हम इसको कहेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि ये उल्लू बनाने के लिए आपको क्या कहेंगे, ये आप कंफ्यूज हो रहेंगे ना कि उच्च पूर्व पाषाण काल क्या है, ये कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, इस तरह से आप लिख लेंगे आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। पाषाण काल को मैंने क्या बताया था, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण काल की मैंने क्या बताया, 3 भागों में। सबसे पहला पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल लिख लेना, और आपका नव पाषाण काल। अब यहां पर मध्य पाषाण और नव पाषाण किनारे कर दीजिए, फेंक दीजिए गली में, ठीक है। अब आ जाता है आपका पुरा पाषाण को, पुरा पाषाण को फिर से उठा लीजिए, पुरा पाषाण को फिर से 3 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति कह दो, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति कह दो, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति कह दो, या फिर आप आ जाइए निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, यानी कि पुरा मतलब पूर्व कर दिया, पुराना, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं है, आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उल्लू नहीं बनना है, क्योंकि आप उल्लू नहीं, आप इंसान है, ठीक है। इंसान इंसान को उल्लू समझने की कोशिश करता है, लेकिन आपको बनना नहीं है। तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा, ना तो ये निम्न में काम करेगा, ना मध्य में काम करेगा, ये उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और उच्च पूर्व पाषाण काल का समय काल कितना है, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय काल जो है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल का समय काल माना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा अपने आप ही क्या हो, अपने आप तो नहीं, हमारी मर्जी से होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, यह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। भैया करता था कि नहीं करता था, तो भैया पूर्व पाषाण काल के, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में बात हो रही है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, मैंने बताया था पाषाण काल को उठाइए, मैंने क्या बताया पाषाण काल को उठाइए। तो पाषाण काल का क्या है, आपको मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा दूं, मैंने बताया कि यह पाषाण काल, उंगली समझिए, पाषाण काल के, पाषाण काल में 3 भागों में बांट दिया, पहला पुरा पाषाण मतलब पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब इसको अलग नाम से सुनिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, पूर्व पाषाण काल, पुरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल, पूर्व मध्य पूर्व पाषाण काल, और नव पूर्व पाषाण काल, मतलब पुरा की जगह उन्होंने पूर्व लगा दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि पाषाण काल को हम कितने भागों में बांट देते, 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला कौन सा आ गया, इस तरह से आप उठाइए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या और तीसरा जो हो गया नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल हो गया। अब यहां पर उठाइए पुरा पाषाण को, उठा लीजिए पुरा पाषाण को, हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और उच्च पुरा पाषाण काल। अब पुरा की जगह हम क्या लगा देंगे, पूर्व, निम्न पूर्व पाषाण काल, उच्च मध्य पूर्व पाषाण काल, और क्या है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। तो आपको समझ में आ पा रहा होगा ना, ये पूर्व पाषाण काल यानी कि पुरा पाषाण काल ही है। अब यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर आप अंदाजा लगाएंगे ना कि यह पॉलिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, तो भैया ये बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है, क्या करता था, नहीं, यह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, तो
तो ये भैया बिल्कुल सही है, कोर मतलब एकदम पत्थर गोल गोल एकदम, मतलब शुरुआत के जो कोर कोर होता है ना, मतलब कहते हैं कोर कोर ले लेना भैया, तो शुरुआत का समय वाला एकदम उठाया और सीधा पत्थर मार दिया, ना उसने घिसा ना पॉलिश की। ये पशुपालक था तो भैया बिल्कुल पशुपालक नहीं था। क्या आपको लगता है कि पुरापाषाण काल का जो मानव था वो निम्न पूर्व पुरापाषाण का मानव था, यानी कि निम्न पूर्व पाषाण काल कब से कब तक का माना जाता है? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का समय काल। तो इस समय का मानव क्या था? इस समय का मानव हल्का पूरा शिकार वगैरह कर लेता था, मांस वगैरह कच्चा मांस वगैरह खाया करता था। तो आपको लगता है ये करता था? नहीं, वह पशुपालक नहीं था। यह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था? भैया बिल्कुल नहीं करता। तो आपका उत्तर हो जाएगा यह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये न तो पालिशदार उपकरण कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, न ये पशुपालक था और न ये लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो यह कोर, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं पूर्व पाषाण से संबंधित, ठीक है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित, नव पाषाण काल से संबंधित, ताम्र पाषाण काल से संबंधित, या फिर लौह काल से संबंधित। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां किससे हैं? बृहद मतलब समझ रहे हो ना, जो बड़े बड़े महापाषाण। अब देखो, अब मैंने कहा ना कि आपको हिंदी से अगर देना है तो आप हिंदी को अच्छे समझिए। महापाषाण काल, महापाषाण को ये क्या कह रहे हैं? बृहद पाषाण काल। समझ पा रहे ना आप? बृहद पाषाण को ये क्या कह रहे हैं? बृहद पाषाण क्या हो जाएगा? महापाषाण काल। आपको पता होगा महापाषाण काल जो था वो लौह युग से संबंधित था। लौह युग का मतलब था कि वहां पर क्या था, जो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र था वहां पर क्या था कि जो लोग मर जाया करते थे, उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, तो वो क्या करते थे, उन लोगों को क्या करते थे, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, बड़े बड़े इस तरह से समाधियां बना दिया करते थे। ये आप देखिए, मैंने समाधियां बना दिया मतलब खाखू लिया किसी ने, मतलब मान लीजिए मैं मर गया, मतलब पुराने जमाने में हूँ, बृहद महापाषाण काल के समय काल की बात कर रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए इस दुनिया से चला गया। अब मैं चला गया तो मुझे क्या कर दिया, खुले में छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया, जानवरों वानवरों ने मुझे खा लिया, मतलब पंछी उंछियों ने मुझे खा लिया। उसके बाद क्या किया, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद मुझे उसमें डाला और डालने के बाद ऊपर से पत्थर रख दिए बड़े बड़े। तो इस तरह की संस्कृति क्या कहलाई? मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल या कहें इसको, हम किस नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल या कहें हम इसको कहेंगे, इसको क्या कहते थे, हाँ इसको कहते थे हम, इसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे महापाषाण काल। तो ये आपकी लौह काल से संबंधित थी, भौ काल नहीं बोल रहा हूँ, लौह काल से संबंधित थी। उत्तर हो जाएगा आपका डी। ये दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती हैं, ये लौह काल से संबंधित थी, महापाषाण कालीन सभ्यता थी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित है? अब इसने फिर से वही क्वेश्चन घुमा दिया। मैंने कहा ना बृहद को मतलब इसने क्या कर दिया, महा। अब ये थोड़ी देर बाद कर देगा ये बड़े बड़े पत्थर वाली समाधियां। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? आपको समझ में आ ही गया होगा, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो आपका लौह पाषाण काल से संबंधित थी। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, बृहद पाषाण, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन बदल दिया। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ से की गई थी? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई सी नहीं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि महापाषाण काल में क्या था, जब किसी की मृत्यु हो जाया करती थी तो उसमें क्या करते थे, लोगों को दफना देते थे और उस पर बड़े 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 क्या करते थे, पत्थरों को रख देते थे, ताकि क्या होता था, उनको क्या हो सके, उनको उनके जो पूर्वज वगैरह हैं मतलब पंछी वगैरह हैं उनको खा जाए। खाने के बाद बचा कुचा होता था तो उनको दवा दू देते थे। तो इसको क्या कहते थे, महापाषाण की कब्रें देखने को मिलती है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे प्रश्न आपका बन जाता। तो अगर हम इसका कहें महापाषाण संस्कृति की अगर बात करें, तो महापाषाण संस्कृति की अगर आप बात पूछें तो ये किससे संबंधित है, तो महापाषाण काल की संस्कृति की अगर मैं बात करूँ, आप इसका आंसर अपने आप समझ जाएंगे, इन तीनों का आंसर समझ जाएंगे अपने आप। मैं इसको आपको क्लियर करा देता हूँ। महापाषाण पत्थर कह लो या फिर प्रस्तर कह लो या फिर जो है पाषाण कह लो, तो महापत्थर, महापाषाण या महाप्रस्तर में हुआ क्या करता था, कब्रें हुआ करती थी। मतलब महापाषाण काल में क्या होगा, कब्रें हुआ करती। कब्रें क्या, कब्र मतलब चादर, कब्र नहीं बता रहा हूं, कब्र मतलब, कब्र को अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, कैफिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, भूल गया, अंग्रेजों की भाषा में भूल गया मैं, कब्र को क्या बोलते हैं,
अरे जो भी बोलते हैं इसकी, जो भी होगा देखा जाएगा, वो जो भी हो, मतलब हम तो कब्र जानते हैं, कब्र मतलब जिसमें आदमी को दफनाया जाता है। तो महापाषाण काल की ये क्या हुआ करती थी, कब्रें हुआ करती थी जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ये कौन सा क्षेत्र था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दक्कन वाला क्षेत्र है, दक्कन तथा दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र, ये दक्कन वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण भारत, दक्कन वाला क्षेत्र, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र, और उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र था, तथा यहाँ कुछ भाग कश्मीर में भी देखने को मिल जाता है। तो यह प्रथा जो थी प्रचलित थी, तो कश्मीर में भी जब आपको कभी मौका मिलेगा तो कश्मीर में भी लगाने को मिलेगा मौका। तो कुछ कब्रें क्या हुआ करती थी, जमीन के अंदर, मतलब मान लीजिए मैं मर गया तो मुझे क्या कर दिया कि छोटा सा गड्ढा खोदा और मुझे जमीन में हल्का सा गाड़ दिया, ऊपर से क्या कर दिया, जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया, मतलब अभी पत्थर नहीं रखे, मतलब मुझे जमीन में घुस दिया और मुझे मुझे जानवरों को खाने के लिए, मतलब जानवर कौन, कुत्ता बिल्ली तो नहीं, मतलब जो जंगल के जानवर हुआ करते थे, जैसे पक्षी पक्षी हो गए, मतलब जो भी जानवर हो गए, जो भी मांस वगैरह खा लेते थे, उन लोगों ने मेरा मांस खा लिया। उसके बाद जो अवशेष वगैरह रह गए, अवशेष बचे हुए भाग को क्या करते थे, उठाया और समाधि बना दी, और उस पर ऊपर बड़े बड़े क्या कर दिए, पत्थर रख दिए। तो ये काल कौन सा था, मैं फिर से बता दूं, मध्य, सॉरी, जो महापाषाण कालीन या बृहद पाषाण या बृहद प्रस्तर या फिर बृहद पत्थर या महापत्थर स्मारकों की पहचान क्या थी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में ऐसे पहचान की गई थी। तो आप उत्तर को समझ गए होंगे, आपका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं, नेक्स्ट, क्लियर हुआ ना। तो महापाषाण संस्कृति कौन से क्षेत्र से थी, आप दक्कन वाला क्षेत्र ले लीजिए, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ना, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र ले लीजिए, और थोड़ा सा भाग जो है कश्मीर वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित थे, पूर्वी भारत के, फिर से बता दूं, राग के टीले किस 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 क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति संबंधित है, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तरी विंध्य क्षेत्र से, या फिर कश्मीर घाटी से। तो भैया राग के टीले वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर राग के टीले जो देखने को मिल जाएगा, ये राग के टीले वाला क्षेत्र, ठीक है। तो राग के टीले वाला जो क्षेत्र था दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत से संबंधित थे, ठीक है। चलिए तो राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा, या फिर ब्रह्मगिरी। आपका उत्तर क्या होगा, आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप बताने की कोशिश करिए। तो आपका हो जाएगा संगम कल्लू, संगम कल्लू से संबंधित है राग का टीला, ठीक है, संगम कल्लू, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सिहावल एक पुरा स्थल है, यानी कि पुरा स्थल है, यानी कि पुराने हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कहाँ पर है ये, निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, या फिर उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, या फिर आपका मध्य पाषाण संस्कृति का। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सिहावल एक क्षेत्र है कहाँ का, आपका निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व कौन सा हो जाएगा, कितने समय काल का, 10 लाख से, 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा, वो नहीं, 50,000 ईसा पूर्व तक के समय काल का माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, ये निम्न पाषाण, मैंने क्या है, निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब पाषाण काल को, पत्थर वाला जो युग है उसको 3 भागों, स्टोन युग को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को उठाया, निम्न पूरा पाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति रख दिया, ठीक है। तो सिहावल एक पुरा स्थल है किसका, निम्न पूर्व पाषाण काल। तो सिहावल को हम यहाँ पर देखते हैं, विलेज इन सिहावल तहसील सिद्धि, सिद्धि मध्य प्रदेश, तो ये है आपका सिद्धि जिला मध्य प्रदेश में ये देखने को मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाए निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश आ जाए तो आप एकदम लपक के आंखें बंद करके चिपका देंगे। चलिए पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, पूर्व पाषाण कालीन मानव का धंधा क्या था, या फिर क्या वो कार्य करता था, कृषि करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, पशुपालन करता था, या फिर शिकार खेलना था उसका काम। तो आपका भैया सबसे शुरुआत का समय बता रहा है, पूर्व पाषाण कालीन, या कहीं इसको पुरा पाषाण कह दो,
पूर्व पाषाणकालीन, या फिर पूरा पाषाणकालीन मानव जो क्या था, पूरा पाषाणकालीन का जो मानव था उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम शिकार खेलना या कहें आखेटक मनुष्य था, इसको हम कह सकते हैं निम्न पाषाण युग का मनुष्य जो था या आरंभिक मनुष्य जो था वो शिकार खेलता था, यानी कि जो है शिकार करता था। पशुपालन बाद में हुआ और कृषि के बाद जो है पशुपालन हुआ, समझ रहे हैं ना, कृषि के बाद जो है नहीं, पशुपालन के बाद कृषि वाले क्षेत्र में आएगा, तो शिकार खेलने में सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, शिकार खेलना नंबर एक पे, निम्न पाषाण काल, पशुपालन नहीं खाद्य उत्पादक जो है, पशुपालन दूसरे नंबर पे, यानी कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था पशुपालक था, कृषि मानव जो था वो आपका कौन से आपका आ जाता है खाद्य उत्पादक, यानी कि कृषि करने वाला आपका हो जाएगा नव पाषाण काल में, ठीक है, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के मानव ने ही क्या किया था, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, कृषि तथा पहिए का भी जो है आविष्कार शुरू कर लिया था इन्होंने, और यहाँ के लोग जो है पशुपालन और कृषि दोनों करने लगे थे। मध्य पाषाण कालीन जो लोग थे वो केवल क्या करते थे, पशुपालन से ही संबंधित थे, ठीक है। तो नव पाषाण काल का मनुष्य क्या कहलाता है, नव पाषाण कालीन मनुष्य जो है आपका जो है खाद्य उत्पादक कहलाता है, आपका पूरा पाषाण काल का मनुष्य जो है आखेटक तथा खाद्य संग्राहक, यानी कि भोजन को इकट्ठे जो खाद्य संग्राहक था मतलब उसको इकट्ठा करता था और क्या करता था, खासकर आखेटक यानी कि शिकार करता था, यानी कि जानवरों को मारकर खाता था। मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो आखेटक तथा पशुपालक था, यानी कि शिकार भी करता था साथ में क्या करता था पशुपालक था, यानी कि मनुष्य क्या करने लगा था मध्य पाषाण काल में, जानवरों को पालतू बनाना सीख गया था। और पालतू बनाने की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि सबसे पहला जो जानवर बनाया था उन्होंने पालतू, वो जहां तक अंदाजा कुतिया सॉरी कुत्ता को पालतू बनाया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या होगा इसका, आपका उत्तर होगा डी, शिकार खेलना, ठीक है। चलिए अल्मोड़ा के निकट लखुओडेयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं, तो आप उन अंदाज लगा ही सकते हैं। फिर से बता दूं, अल्मोड़ा के पास, अल्मोड़ा आपका कहाँ पड़ता है, आपका उत्तराखंड में अल्मोड़ा पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा पड़ता है। तो इसने कहा कि अल्मोड़ा के निकट लखुओडेयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां हैं वो किस काल से संबंधित है, वैदिक काल से तो नहीं, कुषाण काल से, तो भैया बिल्कुल सही है, कुषाण काल से जो अल्मोड़ा के निकट जो आपका मिलता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपका उत्तराखंड वाले क्षेत्र, यहाँ पर आपको आपको पाषाण वो क्या बोलते हैं कुषाण काल से संबंधित मिल जाएगा। चलिए तो साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान हो जाता है। तो मान लीजिए जब हम लंबवत पुरातात्विक उत्खनन करते हैं, ठीक है, लंबवत होता है ना, इस तरह से करते हैं, इस तरह से जाता है लंबवत, इसमें से क्या प्राप्त होता है हमें, तो संस्कृति के काल का मापन हमें होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका तो सी है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, पुरापाषाण युग को यानी कि ओल्ड स्टोन एज को, नव पाषाण काल को या न्यू स्टोन एज को, या ताम्र पाषाण काल को या फिर कॉपर युग को, लौह युग को या फिर आयरन एज को। तो अंग्रेजों की भाषा में कॉपर एज जो है उल्लू बनाने के लिए, हमारी जनता को जो हिंदी भाषी होती है उसको उल्लू बनाने के लिए हम किसको कहते हैं, चालकोलिथिक, किधर गया बेटा आ तो जाना, चालकोलिथिक एज को ही हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है, क्लियर हुआ। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। तो आर्यों का प्रमुख जो कार्य था वो था आपका कृषि। आपका प्रश्न यदि बनता है तो आप जीव लपक के एकदम क्या कर देंगे, उसको मारेंगे, किस पे मारेंगे, आप कृषि के ऊपर मार देंगे।
तो आपका समझ में आ गया कि चालकोलिथिक किसको कहते हैं, ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि तांबा और पाषाण युग जिसमें एक साथ होते हैं उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा कृषि यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। शिलाश्रय मतलब शिला क्या होता है, पत्थर, ठीक है, पत्थर, ठीक है, और शिला मतलब पत्थर, और आश्रय मतलब होता है आपका घर। तो पत्थरों की गुफाओं से सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, घंघरिया से, गाँव में बोलते हैं ना घंघरिया, घंघरिया से, या भीमबेटका से, या फिर लेखाइया से, या फिर आदमगढ़ से। तो आपका सबसे अधिक जो प्राप्त हुए हैं वो है भीमबेटका, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। भीमबेटका की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है आपका भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका है जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, आपका कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इससे आनंद ले रहे होंगे, आपका बेड़ा पार होने के 99% चांस होंगे यदि आप इन वीडियोज को यदि आप देख लेते हैं। मुझे गारंटी है कि आपका कभी भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं रिपीटेड भी यहाँ डाल दूंगा, एक क्वेश्चन के चार चार तरीके से भी बता दूंगा, और मैं साथ में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी आपको एक दे दूंगा। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ से पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ से पाए जाते हैं, तो आपका भीमबेटका से पाए जाते हैं। मैंने बताया था भीमबेटका आपका ये देखने को मिल जाता है, जो कि कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाणकालीन गर्त या गड्ढा, ठीक है, निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। भैया फिर से बता दूं, नवपाषाणकालीन कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से, गुफरा काल से, या फिर कुचई से, या फिर मेहगड़ा, ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं भैया, तो आपका 23 का जो उत्तर होगा वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, एक बार कान में थोड़ी खुजली पहले मचा लूँ यार, थोड़ा सा आनंद ले लूँ, कान में खुजली करना बड़ा मज़ा आता है, कान में खुजली का एक क्वेश्चन बहुत चलता है अक्सर, जो है लड़का और लड़कियां आपस में पूछते हैं कि ये बात बताओ कि जब कान में खुजली मचती है तो, अरे यार अब ये मत कहना, ये क्या कर रहा है यार, बड़ा यार बहुत तेज हो रहा था थोड़ा सा, तो मैं निकला कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, निकला कुछ नहीं बस अच्छा लग रहा था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कान में जब खुजली होती है तो कान को अच्छा लगता है कि तीली को, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार हमसे किसी लड़की ने पूछा था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया। तो आपका कहाँ कहाँ से मिला है, तो आपका मिला है बुर्जहोम से, ठीक है, बुर्जहोम से मिला है, और दूसरा जो मिला है वो मिला है आपका गुफरा काल से। तो ये दो हो जाते हैं, तो आप ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी, बुर्जहोम से और गुफरा काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। ये क्वेश्चन है उसको घुमा के दे दिया था, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलता है, तो आपका मैंने बताया बिहार से, कश्मीर से, कर्नाटक से, या फिर राजस्थान से। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी, तो कश्मीर से मिलता है। तो बुर्जहोम और गुफरा काल ये कहाँ पर है, आपका कश्मीर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपका कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गर्त निवास। मैंने पीछे बताया था गड्ढों में रहना या गर्त निवास, गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, हड़प्पा संस्कृति का, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, या कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति का। तो मैंने पीछे आपको बताया था कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति का, जो कि आपका बुर्ज होम वाला देखने को मिल जाता है। मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो यहाँ पर था बुर्ज होम और गुफरा काल। तो गुफरा काल की अगर बात करें तो गुफरा काल जो आपका पड़ता है, मैं आपको दिखा दूंगा,
बुर्ज होम और गुफरा काल जो है आपका पड़ता है, मैं आगे यहाँ पर मैं अपने दिखा दूंगा आपको। तो ये कौन सा बताया मैंने, नवपाषाणिक संस्कृति, कहाँ से मिलता है, बुर्ज होम से। यहाँ से किस तरह की मतलब गड्ढों में गुफाओं जो मतलब शिलाश्रय हुआ करते थे उसमें गर्त में या गड्ढों में रहा करते थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पर, गुफ्र काल में, बुर्ज होम में, मारतंड में या मेहरगढ़ में। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। तो मानव समाधानों में यानी कि जो मनुष्य खत्म मनुष्य या कर मानव या कर इंसान जब मर जाता था उसको जब दफनाया जाता था उसमें उसकी कुतिया या कुत्ता जो हुआ करता था उसको साथ में दफनाया जाता था। तो उसमें साथ में दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कि किसका एक क्या बोलते हैं किसका एक प्रमुख लक्षण है, तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको नवपाषाण भी कह देते हैं। ठीक है, तो नवपाषाणकालीन संस्कृति से आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अरे भगवान, क्या हो रहा है, क्या कोरोना का लक्षण लग रहा है भाई, कोई बात नहीं, होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने की यानी कि वरिंग द डॉग ठीक है का साक्ष्य मिलता है। तो भैया वो बुर्ज होम से मिला है, जो कि हम कहेंगे बुर्ज होम। तो इसका उत्तर आपका सीधा सीधा हो जाएगा ए, ई डी, इसका बी और इसका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुतिया सॉरी कुत्ते का भी कंकाल समाधान के साथ प्राप्त हुआ है। तो आपका बुर्ज होम से मिला है, जो कि कहाँ पर मिलता है आपका, कहाँ पर मिलता है आपका, कश्मीर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुतिया कुत्ते के साथ, तभी आपने देखा होगा ना पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है कुत्ते से शक्ल मिलती है, वो इन्हीं कारणों से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, तो कुत्ता को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका दो चार बार अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आप जो है तहलका मचा देंगे एग्जाम में, आपका क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। किसी तरह से घुमा कर लिटा कर बिठा कर या फिर टेढ़ा करके किसी तरह से पूछा जाए आप जो है लपक कर लेंगे, क्या लेंगे, सही आंसर को पहचान लेंगे। तो समझ रहे हैं क्या कर लेंगे आप, लपक कर लेंगे, क्या लेंगे आप, पहचान लेंगे। वो आपने कविता सुनी ना, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगी, तो खुशबू से पहचान लेती है, इसी तरह से खुशबू से कुत्ता पहचान लेता है। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना, खुशबू से कुत्ता पहचान लेता है और कुत्ता जो है किसको पहचान लेता है, अपने मालिक को पहचान लेता है। और मालिक इसका कहाँ मिलता है, बुर्ज होम में मिलता है। और बुर्ज होम कहाँ मिलता है भैया, बुर्ज होम जो है कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए ना, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो कुत्ता जो है खुशबू से पहचान लेता है अपने मालिक को। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं व जौ की खेती के सबसे पहले प्रमाण प्राप्त होते हैं, रंगपुर से, लोथल से, या फिर मेहरगढ़ से, या फिर जो कोल्डी हवा से। तो आपके नवपाषाण स्तर पर गेहूं व जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो स्थान कौन सा है भैया, वो स्थान जो है आपका कौन सा है, किसको बोलते हैं हम, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान नामक एक खतरनाक जो है देश में पाया जाता है मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ का स्थान है। तो जो नवपाषाण युग की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि पाषाण युग, पत्थर युग या स्टोन युग को तीन भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो है पुरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नवपाषाण काल। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरा पाषाण वाले मानव को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक कहते थे। फिर से बता दूं, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक कहते थे। मोटा मोटी कह सकते हैं जो पुरापाषाण काल का मनुष्य था उसको आखेटक कहा जाता था, यानी कि शिकार करके मारकर खाने वाला व्यक्ति या शिकार करने वाला। वहीं आ जाते हैं आगे, दूसरा आ जाता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो मध्य पाषाण काल वाले व्यक्ति को हम पशुपालक कहते थे, आखेटक तथा पशुपालक। तो यहाँ पर क्या करता था मनुष्य जो है, पशु पालने लगा था। पुरापाषाण में क्या करता था मनुष्य जो है, आखेटक शिकार भी कर लेता था और थोड़ा बहुत क्या करता था, खाद्य संग्रह के यानी कि खाना कुछ इकट्ठा वगैरह कर लेता था। दूसरा जो काल आ जाता मध्य पाषाण काल, उसमें क्या करता था मनुष्य जो था आखेटक,
के साथ क्या बन गया था, पशुपालक ही बन गया था। यानी जानवरों को मार के तो खाता था, साथ में क्या कर लेता था, मनुष्य जानवरों को पालतू भी बनाना सीख गया था। और सबसे पहले उसने कुतिया सॉरी कुत्ते को ही पालतू बनाया था। उसके बाद जो आखिरी आ जाता है वो मैंने यहाँ पर बताया आपको, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं, नवपाषाण काल को हम नवपाषाण काल किस नाम से जानते हैं, नवपाषाण काल को हम नियोलिथिक नियोलिथिक काल भी कह देते हैं। किसको, नवपाषाण काल को नियोलिथिक काल भी कहते हैं। और इस शब्द की बात कर रहे हैं तो 1865 में सर जॉन लुवॉक ने इस सर जॉन लुवॉक ने नवपाषाण कालीन हाँ नियोलिथिक का सबसे पहले जो प्रयोग सर जॉन लुवॉक ने 1865 में किया था। सबसे पहले ली एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ली मैसूरिचर, ने 1860 में अपना उत्तर प्रदेश नामक एक जगह है, उत्तर प्रदेश नामक एक जगह है जहाँ पर टोंस नदी पड़ती है, उत्तर प्रदेश नामक टोंस नदी की घाटी के पास पत्थर के औजारों की खोज की थी। किसने की थी, 1860 में ली मैसूरिचर ने किया था। ठीक है, नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल के निवासी जो है सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। यानी कि खेती करने वाले के अगर साक्ष्य की बात करें, खेती करने वाला मनुष्य किस काल से जुड़ा हुआ था, भारत की बात हो रही है, तो नवपाषाण कालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खेती से या कहें कृषक संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल की ऐसी बहुत सी वस्ती मिली हैं जिसका समय काल की अगर बात करें तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास का इसका समय काल माना गया है। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो मिट्टी तथा सरकंडा जो होता है ना, ये सरकंडे वगैरह होते हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, सरकंडे वगैरह होते हैं, इसके घर तथा गोल आकार के घर बनाना भी सीख गए थे। ठीक है, इस समय के लोग यानी नवपाषाण काल के लोग जो थे पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, और खासकर किसका प्रयोग करते थे, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया करते थे। कौन, आपके नवपाषाण काल के लोग। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, नवपाषाण काल में मानव पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ी, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी का मतलब कैसे हुआ करता था, मतलब मान लीजिए कोई पत्थर है, उसको छीलकर बना लिया, छीलकर बनाने के बाद उसको क्या कर लिया, ऐसे पकड़ लिया, तो हस्त कुठार इसको बोलते थे, मतलब हाथ से ऐसे पकड़ लिया, अब उसको कुल्हाड़ी के रूप में कर रहे हैं। मान लीजिए ये पत्थर है, मान लीजिए ये पत्थर है, पत्थर को नुकीला करके काट लिया, अब हमने इसको कर लिया हाथ में, डंडा की जगह क्या कर लिया, हाथ बना लिया, तो इसको क्या कहते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी कहते थे इसको, अब ये कुल्हाड़ी का काम कर रहा है इस तरह से। मतलब यहाँ पर हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पर कोई डंडा वगैरह नहीं लगाया, बल्कि इसी में क्या कर रहा है, ये कुल्हाड़ी का आगे मुंह है, पत्थर से हमने इसको नुकीला कर लिया, और पत्थर को ही नुकीला कर लिया, और बाद में हमने क्या कर लिया, हमने उसी का ही क्या बना लिया, तो इस तरह की थी। तो ये मोटा मोटी हो गया, आप इसका अगर वीडियो देखना चाहें तो आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगा। तो नवपाषाण काल के लोग ही क्या करने लगे थे, चमकदार और पॉलिशदार हथियारों का या कहें बर्तनों का भी प्रयोग करने लगे थे, या औजारों का प्रयोग करने लगे थे। नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो नवपाषाण का मनुष्य जो था शिकार करना सीख गया था, साथ ही खाद्य संग्राह के खाद्य का उत्पादन करने गया था, यानी मोटा मोटी कहें तो वो कृषि करना सीख गया था। मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला अनाज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला अनाज का प्रयोग करना, कौन सा अनाज का प्रयोग किया था, तो वो जौ का प्रयोग किया था। इससे आगे प्रश्न आपका बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ पा रहा होगा। मानव द्वारा नवपाषाण काल में सबसे पहला अनाज प्रयोग किया गया था वो कौन सा था, तो वो आपका क्या था, जौ था। जो इस समय काल की अगर बात करें तो आपका पाकिस्तान के नवपाषाण काल की अगर बस्तियों की बात करें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। तो ये जो अगर हमने अगर आप बात करें तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जो है एक राज्य है या के प्रांत है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो आपको उम्मीद है आपका इसको आंसर इसका पता चल गया होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक एक जगह पर मेहरगढ़ पड़ता है, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं जो कि गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने या कहें प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में किस जगह स्थित है, तो कहेंगे बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो जौ और गेहूं के खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले
सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो वो क्या था आपका, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं, हाँ, सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज जो था वो क्या था आपका, जौ था। ठीक है, जौ था, समझ पा रहे ना? ये साला इसका तार कहाँ फंस गया अभी। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज जो था वो आपका जौ था। अरे यार इसको थोड़ा सेट कर दो, आंखों पर रोशनी पड़ रही है। हाँ, सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो वो आपका जौ था। क्लियर हो रहा है ना? वो आपका, हाँ, जौ था। चलिए, तो उम्मीद है आपका नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो नवपाषाण की अगर बात की जाए तो नवपाषाण के बारे में कहेंगे कि नवपाषाण काल के जो स्त्री और पुरुष थे, सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं उगाना सीख गए थे और साथ ही भेड़ बकरियां पालना भी सीख गए थे। यहाँ से यानी कि नवपाषाण काल वाले क्षेत्र से, या कहें मेहरगढ़ वाले क्षेत्र से, आपका क्या मिलता है? हिरन, सुअर, भेड़, बकरियों की हड्डियां देखने को मिलती हैं। और क्या मिलता है भैया? और मिलता है मेहरगढ़ से एक ऐसी कब्र भी मिली है, मेहरगढ़ से एक ऐसी कब्र भी मिली है जहां पर मरने वाले के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी। बुर्ज होम में कुतिया, सॉरी, कुत्ता दफनाया गया था। बुर्ज होम में क्या मिला है आपका? गर्त में यानी गड्ढे में रहने वाले लोगों का साक्ष्य भी मिला है। वहीं आपकी बात आ जाती है, किसकी मैं कह रहा हूं, नवपाषाण कालीन क्षेत्र जिसको हम मेहरगढ़ कहते हैं, मेहरगढ़ से क्या मिला है? एक मेहर करती हुई, यानी कि किसी अंकल के साथ मेहर करती हुई बकरी को कब्र में दफनाया गया था। किस कारण से दफनाया गया, इसके बारे में अभी तक शोध चल रहा है कि कौन सा उनका संबंध था बकरी के साथ। तो जैसे ही पता चल जाएगा तो आप पता ही होगा बकरी किस लिए दफनाई गई होगी, आप बात को समझ ही पा रहे होंगे। बकरी इसलिए दफनाई गई थी, ऐसा बताया जाता है कि डेंगू से मरने के उनके चांस थे, तो ये कहा गया था कि डेंगू से मरने के कारण उनको बकरी के साथ, क्योंकि वो मरने के बाद क्या है उनमें डेंगू के लक्षण थे, तो उनको बकरी के साथ दफना दिया तो दूध वगैरह वो पी सकें ऊपर जाकर, ताकि ऊपर जो उनको डेंगू वगैरह ना हो। बहुत प्रेम था उससे बकरी का, शादी भी शायद होने वाली थी बकरी के साथ। तो इस तरह के कुछ लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है भैया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप समझ ही गए होंगे, कालीबंगा, लोथल या फिर कोट दीजी, कहाँ से मिलता है? तो मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में कि मेहरगढ़ से आपके साक्ष्य मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ से आपके एक हरा भरा और समतल घास का मैदान, घास का मैदान तो नहीं कहेंगे, एक समतल सपाट स्थान मिला, जहाँ से क्या मिले हैं आपके जौ के, आपके स्त्री पुरुष ने, यहाँ के जो मेहरगढ़ के स्त्री पुरुष थे, उन्होंने सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ बकरियां पालना सीख लिया था। तो आप समझ गए होंगे कि आपका उत्तर जो होगा वो पुत्र क्या होगा, वो आपका ए होगा। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर पुरा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप इसको भी आंसर समझ पा रहे होंगे, आमरी से, कोट दीजी से, या फिर कालीबंगा से, या फिर मेहरगढ़ से। तो आपको समझ में आ गया था। अब पुरापाषाण की बात करूं तो मैंने बताया था कि नव पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और आपका जो है पाषाण काल। तो मैंने आपको कहा कि पत्थर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक का माल मिला है, फिर से समझिए। तो भैया कौन सी जगह से मिला है? मैंने आपको बताया था यहाँ से जो है बकरी की, मतलब लेता हुआ, मतलब बकरी के साथ लेता नहीं, मतलब बकरी का, सॉरी, बकरी के साथ लेटा हुआ इंसान एक मिला है आपका मेहरगढ़ से। पुरापाषाण के लोग भी यहाँ पर मिले, मतलब नवपाषाण के, मान लीजिए पाषाण युग की बात कर रहा हूँ, नवपाषाण मैंने बताया था कि आपका मेहरगढ़ से आपका क्या मिला है, जौ के, गेहूं के, भेड़ बकरी चराने के साक्ष्य मिले हैं आपके, हिरण का हड्डियाँ मिला है, सुअर का हड्डी मिला है, भेड़ का हड्डी मिला है, बकरियों की हड्डी मिली है, ये सारी चीजें मिलनी है। तो यहाँ से नवपाषाण से लेकर आपके हड़प्पा संस्कृति तक, हड़प्पा काल में तो ये आपका मेहरगढ़ बहुत ज्यादा मेहर रखता ही रखता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा क्या? आपका उत्तर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बी हो गया ना आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आपका इसमें भी आप आंखें बंद करके उत्तर लगा देंगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मैंने बताया भी है कि आपका पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य आपके जो हैं मेहरगढ़ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है कि नवपाषाणकालीन की अगर बात की जाए, नवपाषाणकालीन की अगर बात की जाए तो दो प्रमुख स्थल हो जाते हैं नवपाषाणकालीन के। कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है नवपाषाणकालीन का मुख्य स्थल जो है आपका बुर्ज होम हो जाता है, और ये गुफराल हो जाता है, गुफराल हो जाता है, समझ पा रहे ना? गुफराल हो जाता है कहाँ का? नवपाषाणकालीन। अब गुफराल हो जाता है और बुर्ज होम हो जाता है, साथ ही मैंने क्या बताया, साथ ही आपका मेहरगढ़ भी हो जाता है, जहां से क्या मिलते हैं, जौ गेहूं यानी कि खेती के साक्ष्य यहां से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है? चलिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, लेकिन प्रमुख क्षेत्र आपके बुर्ज होम ही हो जाता है, बुर्ज होम भी हो रहा है यहाँ पर, और जो है आपका गुफराल भी देखने को मिल जाता है। गुफराल का अगर बात की जाए, आपसे बार बार गुफराल गुफराल आता है, ये भैया गुफराल क्या चीज है? गुफराल का मतलब होता है कुलाल यानी कि कुम्हार की गुफा। फिर से बता दूं, गुफराल का मतलब होता है कुलाल यानी कि, कुलाल यानी कि आपका किसका, आपका कुम्हार की गुफा होता है, ठीक है? बुर्ज होम से क्या मिला है मैंने आपको बता दिया, तो बुर्ज होम से क्या मिला है, गर्त निवास यानी कि गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर कब्रों में मालिकों को किसके साथ उसमें गाड़ा गया था, सॉरी कुत्ते के साथ दफनाया गया था, या कहें गाड़ा गया था। बुर्ज होम की अगर बात की जाए तो बुर्ज होम जो है आपका श्रीनगर जो पड़ता है, श्रीनगर से लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है? तो बुर्ज होम की अगर बात की जाए तो बुर्ज होम से क्या मिला है और क्या मिलता है, तो बुर्ज होम से आपका खुरतरे धूसर मृद भांडों का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज होम का मतलब क्या होता है, बुर्ज का मतलब होता है, बुर्ज मतलब होता है एक पेड़ होता है, बुर्ज का पेड़, ठीक है? और बुर्ज पेड़ होता है, बुर्ज कहें तो भोजपत्र वृक्ष का स्थान हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एक जगह और पड़ जाती है, यहाँ पर अगर हम जूम करके देखें तो ये है बिहार, बिहार में एक जगह पड़ती है चिरांद, ठीक है? बिहार की अगर बात करें, बिहार में चिरांद की बात करें तो चिरांद में क्या मिलता है, चिरांद में हड्डी के औजार मिले हैं, जो कि हिरण की सींगों की हड्डी भी बताई जाती है। तो ये छोटा सा परिचय हो गया, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मैंने आपको बता दिया था मेहरगढ़ से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेहरगढ़ से मिले हैं। क्यों भैया मिले हैं? कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। क्यों? देखिए, जौ गेहूं और बकरियों के पालन के, मतलब भेड़ बकरियों के पालन के भी निशान मिलते हैं, ठीक है? जौ गेहूं भेड़ बकरियों के पालन के निशान मिलते हैं, और साथ ही यहाँ से हड्डी मिलती है। किस किस की हड्डी मिलती है? हिरण की, सूअर की, भेड़ की, बकरियों की, ठीक है? तो जेव गेहूं, जेव जौ और गेहूं तो उगाना सीख ही लिया था किन लोगों ने? नवपाषाणकालीन लोगों ने। तो सीधी से मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह से जीवन के प्रमाण मिलते हैं? न तो धौलावीरा से मिले हैं, किले गुल मोहम्मद से भी नहीं मिले, और कालीबंगा से नहीं। कालीबंगा से मतलब आपका क्या मिलता है, क्या बोलता है, कालीबंगा से चूड़ियाँ वगैरह मिली है ना, हड़प्पा कालीन संस्कृति। तो ये है आपका मेहरगढ़, यहाँ से मिला। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये आपका डी। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से, या फिर राखीगढ़ी से? तो आपका मेहरगढ़ से मिला है, क्योंकि तो मैंने आपको बताया यहाँ से सूअर का मिला है, हिरण का मिला है, भेड़ का मिला है, बकरिया का मिला है, सांड का मिला है, सॉरी मतलब भैंस का मिला है। ये कुछ हो गए आपके, इसके आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट से थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रिवीजन भी करा दूं, एक नज़र डालवा दूं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। पाषाणकालीन संस्कृति एवं उसकी विशेषताएं, काल थोड़ा सा देख लेते हैं, संस्कृति के लक्षण देख लेते हैं, ताकि आपको आंसर देने में और समझने में आसानी हो। मुख्य स्थल देख लेते हैं, महत्व तो उपकरण एवं विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल मैंने आपको बताया था, पाषाण काल का ही ये तीन भाग होते हैं, निम्न,
मध्य और उच्च, और मध्य पाषाण काल, और ये आपका पुरा पाषाण काल हो जाएगा। पाषाण काल तीन भागों में आ जाता था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आइए समझते हैं निम्न पुरा पाषाण काल संस्कृति के लक्षण क्या है। शल्क, गंडासा, खंडक, उपकरण संस्कृति। मुख्य स्थल कौन कौन से हो गए? पंजाब, कश्मीर, सोवन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण उपकरण की विशेषताएं क्या हैं? हस्त कुठार एवं बटिकाक्ष उपकरण, ठीक है। मध्य पुरा पाषाण काल फलक संस्कृति, नेवासा महाराष्ट्र, डीडवाना राजस्थान, नर्मदा घाटी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बाकुंडा पुरुलिया पश्चिमी बंगाल। फलक वेदनी कुर्चनी आज प्रमुख औजारों की प्राप्ति हुई है। उच्च पुरा पाषाण काल अस्थि खुरचनी एवं तक्षशिला संस्कृति, बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव का काल हार्पून फलक एवं हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण काल आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय राजस्थान, नाहर राय उत्तर प्रदेश। सबके बारे में डिटेल से मैंने बता दिया है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकी का विकास हुआ। अंधचंद्राकार अर्धचंद्राकार उपकरण, सबके बारे में मैंने पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। चित्रकला का साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल से। नवपाषाण काल की बात करें तो पॉलिसदार उपकरण संस्कृति इसको कह सकते हैं। बुर्जहोम गुफराल कश्मीर में, लंगनाज गुजरात में, दमदमा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, पेयमपल्ली तमिलनाडु में, ब्रह्मगिरी मास्की कर्नाटक में, ठीक है। तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बन जाता है, पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू करना, पहिया का निर्माण, अग्नि का प्रचलन हो जाता है। तो ये एक छोटा सा परिचय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही पाषाण संस्कृतियां एवं विशेषताएं। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मैंने आपको बताया था पाषाण काल को तीन भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से तीन भाग हो जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है, पुरा पाषाण काल, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण काल, मतलब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा पाषाण काल? नव पाषाण काल। वहीं आपका पुरा पाषाण काल को उठा लेते हो, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और आपका कौन सा आ जाता है? मध्य पाषाण, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये तीन भाग हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो है पुरा पाषाण काल का ही पहला भाग है ये। संस्कृति के लक्षण क्या है? शल्क, गंडासा, खंडक, उपकरण संस्कृति। मुख्य स्थल पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, सोवन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्व उपकरण एवं विशेषताएं हस्त कुठार एवं वटिकाष्प उपकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही मध्य पुरा पाषाण में क्या होता है। आपका मध्य पुरा पाषाण में क्या होता है देखते हैं, समझते हैं। संस्कृति लक्षण क्या है? फलक संस्कृति। मुख्य स्थल नेवासा महाराष्ट्र, डीडवाना राजस्थान, नर्मदा घाटी भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। बांकुड़ा पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में। महत्व तो उपकरण में विशेषता क्या है? फलक वेदनी खुरचनी आदि प्रमुख औजारों की प्राप्ति होना। उच्च पुरापाषाण काल की देखते हैं संस्कृति के लक्षण क्या है? अस्थि खुरचनी तक्षशिला संस्कृति, बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। महत्व तो उपकरण में विशेषता है प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव का काल हार्पून फलक एवं हड्डी के उपकरण प्राप्त होना। नेक्स्ट देखते हैं पाषाण कालीन संस्कृति एवं विशेषताएं। मध्य पाषाण काल संस्कृति के लक्षण सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। मुख्य स्थल क्या है? आदमगढ़, भीमबेटका। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? आदमगढ़, आदमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ और भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बागौर राजस्थान में, सराय राजस्थान में, नाहर राय उत्तर प्रदेश में। महत्व उपकरण विशेषताओं की बात करें तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकी का विकास, अर्धचंद्राकार उपकरण, चित्रकला का साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल का ही, ठीक है। ये शायद एक ही है, एक ही है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, डबल आ गए हैं, इसको मैं जूता मार के हटा देता हूँ। चलिए
चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है नपाषाण की बात करते हैं, तो संस्कृति के लक्षण क्या है? पॉलिश्ड उपकृत संस्कृति। मुख्य स्थल क्या है? बोरजोम और गुफराल कश्मीर, लंगनाज गुजरात में, दमदमा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार में, पेयमपल्ली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी मास्की कहाँ है आपका? कर्नाटक में। और इसके विशेषता क्या है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति, यानी कि यहाँ पे संस्कृति जो है आपका कृषि की जो है प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका भोजन पकाना है हो जाता है, कपड़ा बनाना, मृदवान निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बन जाता है, पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू हो जाती है, पहिया आदि का और अग्नि का प्रचलन जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, वह कौन सा स्थान है? तो भैया लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपानी मांडो। तो आपको क्या लगता है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य भैया कहाँ से मिलते हैं? तो वो भैया कहाँ से मिलते हैं, वो आपके मिलते हैं आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ की अगर बात करें, ये कहाँ से आया है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ। आदमगढ़, आदमगढ़ सेंड टू बैक, आदमगढ़ इसको ये यहाँ पर आएगा, क्लाइमेट चेंज वाला। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लंगना से, बीरभानपुर से, मध्य पाषाणिक प्रसंग की बात कर रहा हूँ या स्थान की बात कर रहा हूँ, आदमगढ़ से या चोपानी मांडो से। तो आपका उत्तर हो जाएगा आदमगढ़ से। क्या मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किससे संबंधित? मध्य पाषाणिक संस्कृति से। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, तो मध्य पाषाण को हम क्या कहते हैं भैया? मध्य पाषाण को हम आखेटक तथा पशुपालक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेटक तथा पशुपालक संस्कृति कहते हैं। तो हमारा जो हो जाता है पुरापाषाण तथा नवपाषाण काल के बीच के, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका समय काल की बात करें, किसका? मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। कौन सा? मध्य पाषाण काल का समय। तो भारत में मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, समझ पा रहे ना? तो मध्य पाषाण में लोग क्या करते थे? शिकार करना सीख गए थे, मछली पकड़ना सीख गए थे, खाद्य वस्तुओं को बटोर कर अपना पेट भरना सीख गए थे, यानी कि अपना जीवन यापन करने लगे थे। किस तरह से करते थे मध्य पाषाण काल में? आपका शिकार करके, ठीक है, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करके, यानी कि उनको बटोर कर, मतलब कृषि वगैरह नहीं करते थे, जो भी खाद्य वस्तुएं मिल जाती थी उनका क्या करते थे? उनका इकट्ठा करके, यानी कि संग्राह के रूप में कार्य करते थे। क्लियर होना ना? तो ये तो मध्य पाषाणिक के बारे में बात हो गई। तो मध्य पाषाणिक काल के बारे में और क्या अगर जानना चाहें तो कहेंगे, तो मध्य पाषाण काल में पत्थरों के औजार जो है बहुत छोटे होने लगे थे और बहुत ही नुकीले होते थे, जिसको हम माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। फिर से बता दूं, मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार जो हुआ करते थे छोटे होने लगे थे, नुकीले होने लगे थे, जिनको हम माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहते थे। मध्य पाषाण की अगर बात की जाए, तो मध्य पाषाण काल के समय के औजारों पर हड्डियों या कहें लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हंसिए तथा आरी जैसे भी औजार देखने को हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले तीर कमान का प्रयोग की अगर बात की जाए, सबसे पहले तीर और कमान का, वो दिल वाला तीर होता है ना, इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले ये इस तरह से ये तीर मतलब तीर हो जाता, नहीं ये कमान है, और ये तीर और कमान का जो है साक्ष्य मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? आपका मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, पशुपालन की साक्ष्य भी जो है आपके मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पालतू पशु की अगर बात की जाए तो कुत्ता बनाया गया था, जो कि मध्य पुरापाषाण काल से हुआ माना जाता है। स्थायी निवासी का साक्ष्य जो है
भी मिलते हैं लेकिन इतने खास नहीं मिलते हैं। मात्र देवी की उपासना जो है आपकी मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो जाती है, उसके साथ ही समाधान पद्धति की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल से हुई मानी जाती है। ठीक है, भारत में मानवों की हड्डियों का साक्ष्य भी जो है इसी काल से अक्सर देखने को मिल जाता है, वो भी किससे, मध्य पाषाण काल से। तो आपको फिर से समझ में आ गया होगा कि मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में कौन कौन से आ जाते हैं, राजस्थान में राजस्थान हो जाता है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश हो जाता है, देखो ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, इसमें नहीं दिख रहा है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, ऊपर है इसमें दक्षिणी जो है उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाता है, दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो हो जाता है। ठीक है, मध्य पूर्वी भारत में भी देखने को मिल जाता है, मैंने मध्य और पूर्वी भारत में भी देखने को मिल जाता है, कौन सा आपका, मध्य पाषाणिक क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो है कृष्णा नदी का तट जो आ जाता है, कृष्णा नदी वाला जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी वाला क्षेत्र, कृष्णा नदी के तट के आसपास भी यहाँ पर जो है मध्य पाषाणिक क्षेत्र जो है के कुछ जो है मतलब साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। वहीं आपका देखा जाए भीलवाड़ा की अगर बात करें, भीलवाड़ा जो है आपका कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में भीलवाड़ा जगह, भीलवाड़ा जिले में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक नदी पड़ती है, उसको कहते हैं कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के तट पर मौजूद जो है बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का साक्ष्य स्थल है। फिर से बता दूं, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास मौजूद बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का साक्ष्य स्थल है। क्लियर हो रहा है ना आपको। इसके बाद अगर बात की जाए तो हम मध्य प्रदेश में आ जाएं, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका आदमगढ़ हो जाता है, ये आपका आदमगढ़ मैंने आपका आदमगढ़ बताया, तो मध्य प्रदेश का आपका आदमगढ़ हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश का ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका आदमगढ़ देखने को मिल जाता है। वहीं आपके राजस्थान की अगर हम आए, राजस्थान में बागोर से, राजस्थान के बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। सराय नाहर की बात करें, सराय नाहर राय तथा मैदहा के स्थायी निवास के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश नामक राज्य में देखने को मिलता है। भीमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, भीमबेटका से जो है चित्रकारी के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। मध्य पाषाण काल के गुफा में मिले चित्रों में सबसे अधिक चित्रों की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो चित्र मिलते हैं वो हिरण के मिलते हैं, जिसको मैं आगे आपको एक आध बार कोशिश करूंगा दिखाने की। तो समझ में आ गया, मध्य पाषाणिक प्रसंग में मन पशुओं के प्रमाण भैया कहाँ से मिलते हैं, वह स्थान कौन सा है, तो आदमगढ़ आपको देखने को मिल जाता है। 1938 का क्वेश्चन देखते हैं, गंगा घाटी में धान की खेती का जो है प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाता है लहुरा देव। लहुरा देव भैया कहाँ पड़ता है, यह है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर के पास में आपका लहुरा देव पड़ता है, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लहुरा देव में आपके गंगा घाटी में धान की खेती के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आदमगढ़ और इसका हो जाएगा लहुरा देव। ठीक है, यह है आपका संत कबीर नगर, लहुरा देव इज लोकेटेड इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो गंगा घाट, मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी या गोमल घाटी या कहें बोलन घाटी। तो निम्नलिखित में किस क्षेत्र से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो बेलन घाटी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं भैया। ठीक है, तो प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी से मिलते हैं, आपको जूम करके दिखा दूं, यहाँ पर जो है बेलन वैली। ठीक है, क्योंकि आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, तो मध्य डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखने को मिलता है, तो बेलन घाटी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो भैया कश्मीर से या उत्तर प्रदेश से या महाकोशल से या फिर विंध्य क्षेत्र से। तो आपका भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो विंध्य प्रदेश से या कहें विंध्य क्षेत्र से आपके मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, यह है आपका विंध्य वाला क्षेत्र, चलिए उत्तर हो जाएगा आपका डी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक ही क्रम में पाए गए हैं? तो भैया कश्मीर से, कृष्णा घाटी से, या फिर जो है आपका बेलन घाटी से, या फिर जो है आपका गोदावरी से, या फिर आपका किसी से नहीं। तो इसमें किसी से नहीं तो है नहीं, तो हमारा इनमें से चारों में से कोई आंसर होना चाहिए। तो फिर से बता दूं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के अवशेष एक ही क्रम में पाए गए हैं? तो वो आपका आ जाता है बेलन घाटी से। ठीक है, बेलन घाटी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है भैया? तो गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, ठीक है, आपका जो है सोन घाटी मध्य प्रदेश से, या कहें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। तो आपका बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से आपका क्या मिला है? आपका उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डियों की बनी मातृ देवी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मैं बता चुका था पीछे, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जो था वो था आपका जौ। ठीक है, जौ सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज था। ठीक है, सी याद आएगा इसका। भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान से मिला है? भीमबेटका से, हथनौरा से, सराय नाहर राय से, या फिर दमदमा से। तो आपका उत्तर हो जाएगा हथनौरा से। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला। भैया हथनौरा कहाँ पड़ता है? हथनौरा विलेज इन सेहोर डिस्ट्रिक्ट, नियरली 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश नामक राज्य में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के आपके पास में, लगभग 35 किलोमीटर के पास में एक जगह पड़ती है सेहोर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर हथनौरा जो है आपका देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो हमारा देखते हैं इसमें हथनौरा, ये है हथनौरा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, हथनौरा। यही नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आपका बी हो जाएगा हथनौरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। होमो इरेक्ट का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्ट, तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। नर्मदा घाटी हथनौरा से आपका होमो इरेक्टस कपाल मिला है। ठीक है, तो आप ये होमो इरेक्टस कपाल देख सकते हैं। ठीक है, ये आप नर्मदा होमो इरेक्टस, या इसको नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नहीं कोई कहेगा ये हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप में से भी किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो है हमारे नहीं है। जब कहीं रिश्ता रिश्ता होता है इनके कहीं, तो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना, उम्मीद है आपको इससे जानकारी मिलेगी। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण मिले हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बागौर से, बघोर से, बीरभानपुर से, या मैदहा से। तो आपका मैंने बताया था मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डियों के बने आभूषण कहाँ से मिलते हैं, तो मैदहा से मिले। भैया ये मैदहा कहाँ है? मैदा भैया ये है मैदा विलेज इन द पट्टी पट्टी ब्लॉक इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपका चंदौली, चंदौली के ऊपर यहाँ है वाराणसी, वाराणसी के यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा आएंगे प्रतापगढ़ जो है जौनपुर, जौनपुर के थोड़ा सा इधर देखेंगे प्रतापगढ़, तो कौशाम्बी इलाहाबाद के थोड़ा सा ऊपर जो है देखेंगे तो आपका प्रतापगढ़ देखने को मिल जाएगा। तो प्रतापगढ़ में आपका मैदहा देखने को मिलेगा, मैदा नहीं मैदहा देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपानी मांडो से, काकोरिया से, या मैदहा से, या फिर सराय नाहर राय से। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपका उत्तर जो हो जाएगा सी, मैदहा। तो यहाँ से हड्डी के उपकरण देखने को मिले हैं। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त कहाँ से हुए हैं? सराय नाहर राय से, मैदहा से, लेखिया से, या फिर चोपानी मांडो से।
तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका क्या होगा, उत्तर होगा बी, जो पानी वो मैदहा से देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर मैदहा आप देख सकते हैं, ये मैदहा, ठीक है, बहुत इसका पुराणों में वगैरह में अच्छा खासा जिक्र मिलता है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए, नींद आ रही क्या मुझे, कोई बात नहीं। चलिए, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपको देखने को यहीं मिलेगा। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है, बागोर से, कालपी से, आदमगढ़ से या तेरी से। तो आपका उत्तर हो जाएगा तेरी, वो कालपी। कालपी से क्या मिला है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम, तो कालपी नामक स्थान से, जो कि गंगा के मैदान में देखने को मिलता है, यहाँ पर, यहाँ से आपको क्या मिला है, प्राचीनतम मानव बस्ती मिली है। तो व्हाट इज कालपी फेमस फॉर, कालपी दोसो लाउन इज द बर्थ प्लेस ऑफ द, किधर गया, व्यास द राइटर ऑफ द महाभारत एंड द पुराण, ठीक है, ही कलेक्टेड द चैंट्स ऑफ वेदाज एंड द असेंबल्ड असेंबल्ड, ठीक है, देम इन एंड द अरेंज्ड मैनर, ठीक है। कालपी इज सेड टू हैव बीन द फाउंड बाई द किंग वासुदेव एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी BC, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कालपी से आपको देखने को मिलता है, ये पुराणों में अच्छा खासा महत्व रखता है। तो यहाँ पर जो है कालपी किस जिले में पड़ता है, तो जालौन जिले में पड़ता है कालपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश नामक राज्य में। किसके द्वारा खोजा गया था, तो वासुदेव के द्वारा खोजा गया था। चलिए देखते हैं, ये है आपका उत्तर। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, या महदहा से, या लंगधा से। तो आपका उत्तर हो जाएगा, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र से तीन, पता नहीं क्या तीन की तिकड़ी बना रहे थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने को मिल रहा है तो हम पढ़ लेंगे, तिकड़ी इकड़ी के चक्कर में ना पड़े, ध्यान न दें तिकड़ी इकड़ी के। ये है आपका महदहा, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, ये आपका दमदमा। दमदमा जो है, दमदमा लेक सोहना हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले दमदमा से, ये दमदमा जो है हरियाणा में पड़ता है। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है, बागौर से, कालपी से, अरे ये तो फिर से वही आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, मोरहाना पहाड़ से, घगरिया से, या बघी खोर से, वघई खोर से, या लेखिया से। तो आपका उत्तर हो जाएगा लेखिया, डी। तो लेखिया से क्या है, लेखिया जो है विंध्य क्षेत्र में जुड़ा हुआ एक प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। शिलाश्रय जो होता है ना, जो पत्थर की गुफाएं होती हैं, तो कहाँ से मिले हैं, लेखिया से, विंध्य क्षेत्र वाला क्षेत्र, ठीक है, लेखिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेखिया इज द मेसोलिथिक साइट इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर से बता दूं, विंध्य क्षेत्र यार मिर्जापुर, हाँ विंध्य भाई सही है आपका, लेखिया जो है मेसोलिथिक साइट इन द मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बुंदेल विंध्य क्षेत्र वाला पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट है, क्वेश्चन नंबर, ददेरी एक पर्वती हड़प्पीय पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, या फिर उत्तर प्रदेश का। तो किस क्षेत्र का है, तो वो है आपका बी, पंजाब का है, ददेरी। ददेरी जो है आपका पड़ता है ददेरी 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब। तो पंजाब में देखने को मिल जाता है, जो कि आपका लुधियाना नामक जिले में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है, जो कि आपका पंजाब से जुड़ा हुआ है। चलिए, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नवाटोली किस राज्य में अवस्थित है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो नवदा टोली जो आपका आंसर है, वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, यानी कि डी हो जाएगा। तो नवदा टोली जो है वो है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नवदा टोली। तो नवदा टोली जो है वो कहाँ पर स्थित है आपका, नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है।
गैरिक मृद्भांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में, अयछत्र में, या नोहो में, या फिर जो है लाल किले में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, जो कि है आपका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आलमगीरपुर, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है आपका उत्तर प्रदेश नामक राज्य में एक छोटा सा जिला पड़ता है जिसको कहते हैं एटा। एटा के पास एक जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में ही आपको देखने को मिलेगा हस्तिनापुर। तो यहाँ पर जो है मृदभांड के बारे में बात हो रही है। मृदभांड की अगर बात की जाए तो गैरिक मृदभांड OCP, चित्र दूसर मृदभांड PGW, उत्तर काल चमकीला मृदभांड NBPW, काले लाल मृदभांड BRW। ठीक है, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्त्रीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सबसे पहले पहचाना गया था? तो नोहो में, गणेश्वर में, जोधपुर में, या फिर अतरंजी खेड़ा में। तो आपका उत्तर हो जाएगा 55 में आपका अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में जो है काले तथा लाल मृदभांडों की स्त्री को OCP तथा PGW के मध्य सबसे पहले पहचाना गया था। ठीक है, कौन से बताए मैंने? हाँ, गैरक मृदभांड OCP, ठीक है, काले मृदभांड, और जो है PGW चित्रित दूसरे मृदभांडों के बीच के मध्य सबसे पहले पहचाना गया। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा मैंने आपको बताया था, अतरंजी खेड़ा जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य है, उसमें एक छोटा सा जिला पड़ता है जिसको मैंने क्या बताया, जिसको मैंने बताया था क्या बताया था जिसको मैंने बताया वहाँ पर एक जगह पड़ती है हस्तनापुर। हस्तनापुर कह लो या फिर अतरंजी खेड़ा कह लो, वहीं आसपास ही दोनों हैं। ठीक है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, या राजस्थान में? तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है आपका पाषाणकालीन उपकरण निर्माण का केंद्र था जो कि ईसामपुर गांव में देखने को मिलता है। वो किस राज्य में है? आपका कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर, कर्नाटक मतलब सी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में? तो आपका जो इनाम गांव है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। सूचियों को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखिए। तो इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का एक बुरझोम सबसे सघन वितरण है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों यानी कि रजत भांडों आहार तथा आभूषणों का प्रत्याशित भंडार मिला है। मैं क्लियर करा दूंगा। कश्मीर के इस नवपाषाणकालीन स्थल से कुणाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। डी, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन गग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। पांच जो है धौलावीरा, तो इसमें कूट जो है इसको जोड़ना पड़ेगा। किस तरह से? आपका ये देखना पड़ेगा कि किससे क्या जा रहा है, मतलब आपका ए किस में जाएगा। तो ए है, इस नदी के तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का। अब ये देखना पड़ेगा ये हड़प्पा बस्तियां कहां पर मिली हैं। आहार, ठीक है, तथा आभूषणों का प्रत्यापित भंडार मिला है, या फिर जो है कुणाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, या फिर ये जाएगा घग्गर आंकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा, ठीक है, बस्तियों का घग्गर आंकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपका उत्तर होगा सबसे पहला ए में, किस में जाएगा? चार, ए बराबर चार यानी कि फोर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कहीं ए फोर है ना यार, ये यही सीधा हो रहा है आंसर, और किसी में ए फोर है ही नहीं और कोई। फिर भी आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों आहार तथा आभूषणों का प्रत्यापित भंडार मिला है। नहीं, गलत है। कुणाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सही है। तो बी का हो जाएगा थ्री, बी जाएगा थ्री में। तो ए बराबर चार, बी बराबर क्या आ जाएगा? तीन। तो आपका ए बराबर, तो ये आपका चार ही आ जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको सही कर लीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, आपका डी, ठीक है, डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कूट है इसमें, सुमेलित की करना है। हड़प्पा किस नदी से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है गोदावरी से, रावी से, गंगा से या कृष्णा से? तो हम हड़प्पा के लिए लगाएंगे ए बराबर 2, कॉमा लगा देंगे, ए बराबर 2, यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर की अगर बात करें तो गंगा नदी के तट पर आएगा, तो बी बराबर 3। इसके बाद जो है नागार्जुन कोंडा जो है, नागार्जुन कोंडा की अगर बात करें, नागार्जुन कोंड की बात करें तो वो हो जाएगा आपका, नागार्जुन कोंड की बात करें तो आपका आ जाएगा कृष्णा नदी के किनारे, तो सी बराबर 4। तो अब देखो 2 3 4 कहीं आ रहा है, 2 3 4 कहीं आ रहा है, हाँ 2 3 4 ही आ रहा है, यानी कि इसका बी हो जाएगा आंसर। 2 3 4 का मतलब हड़प्पा मतलब रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंड कृष्णा, और पैठन मतलब गोदावरी नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पुरापाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान, मध्य पाषाण काल नदी तट अधिवास, नव्र पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, ताम्र पाषाण काल गर्त अधिवास कूट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर में अगर हम देखें तो आपका पुरापाषाण काल कहाँ जाएगा, तो पुरापाषाण पे ए बराबर लगाइए, ए बराबर पुरापाषाण काल जाएगा नदी तट अधिवास, तो आएगा 2, कॉमा लगाइए। मध्य पाषाण काल कहाँ जाएगा, मध्य पाषाण काल जो जाएगा शैलाश्रय अधिवास, मतलब जो गुफाएं वगैरह थी मध्य पाषाण काल में रहने लगे थे, तो बी बराबर 3, ठीक है। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल जो जाएगा वो जाएगा आपका, नवपाषाण काल जो जाएगा वो जाएगा 4 पे, गर्त अधिवास, गर्त अविवास, यानी नवपाषाण काल में जो है गर्त अविवास मिले हैं, मतलब जो बुर्ज होम वाला क्षेत्र था ना, गड्ढे में लोग निवास कर रहे थे, तो 3 बराबर मतलब सी बराबर 4। तो देखो 2 3 4 कहीं आ रहा है, 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा बी, उत्तर है इसका बी, आप जोड़ लेना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। उदयगिरी प्रागैतिहासिक कालचित्रा से शिलाचित्र, भीम बेट का शिलाओं को उत्खिलित कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभ आदि, बांधवगढ़ रामकथा के रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान, चित्रकूट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं उदयगिरी, उदयगिरी कहाँ जा रहा है, शिलाओं को उत्कलित कर गढ़ी मूर्तियां, तो ए बराबर आएगा 2, 2 पे जा रहा ना। उसके बाद जो है भीम बेट का, भीम बेट का तो प्राग आता है चित्रकला, तो आपको पता है ना चित्र वगैरह मिले हैं भीम बेट का से, तो बी बराबर 1। अब देखिए 2 1 कहाँ से आ रहा है, 2 1, 2 1 तो डी आ रहा है, आपका उत्तर आ जाएगा डी। बांधवगढ़ से क्या मिला है आप अंदाजा लगा सकते हैं, बांधवगढ़ से क्या है, बांधवगढ़ में क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और चित्रकूट क्या है, रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है चित्रकूट, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा, तो आंसर देख लीजिए डी है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडु राजा राजार डिवी बंगाल, दायमाबाद बिहार, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, इसमें ये कह रहा कि कौन सा जो है इसमें सही से जुड़ा नहीं है, तो इसमें सबसे पहला आ जाता कायथा, कायथा कहाँ पर है, कायथा तो आपको क्या लग रहा है कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, तो भैया ये हम बाद में देखेंगे। चिरांद क्या लगता है, बिहार सही है, चिरांद अपने आप सही है। पांडु राजा बंगाल में है, बिल्कुल सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, भैया बिल्कुल सही है। अब आप पूछेंगे कि कायथा जो है, कायथा संस्कृति, क्या आपको लगता है कायथा कर्नाटक में है, तो कायथा भैया कर्नाटक में नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, इसमें सही हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि कायथा भैया कहाँ पे है, कायथा का रायता कहाँ फैला हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अब इसमें से कोई नहीं देखेगा भैया, नहीं बेईमानी कर लो आप लोग, ठीक है।
नहीं पैसे कटवा दूंगा मैं 5 रुपये आपके अकाउंट से। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, कायथा जो है कर्नाटक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 63। 63 की अगर बात करें तो 63 में क्या आ जाता है, 63 की अगर हम बात करें, 63 में क्वेश्चन है बीरवानपुर आपका जो है बनास संस्कृति, ठीक है। तो बीरवानपुर जो है आपका कायथा की अगर बात करें तो ये आपका बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप जो कहोगे यार बताया नहीं, ये कायथा जो है चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो आप अब ये राज्य आपको बताना होगा, ठीक है, कायथा मालवा कल्चर, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सूचियों को सुमेलित करना है, सूचियों क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं थोड़ा सा समझते हैं, बीरवानपुर कहाँ पे पड़ता है भैया, बीरवानपुर जो है आपका लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले थे बीरवानपुर से। तो ए बराबर कहाँ जा रहा है, ए बराबर 4। उज्जैन की बात करें, उज्जैन में क्या है, उज्जैन में जो है गैरिक मृदुभान परंपरा देखने को मिलती है, तो बी बराबर 3। कायथा की बात करें तो कायथा कहाँ है, कायथा बनास संस्कृति, नहीं कायथा बनास नहीं आएगी, कायथा को शायद जहाँ तक अंदाज है कायथा ताम्र निधि है, ठीक है, ताम्र निधि कायथा। तो आपका जो है सी बराबर आएगा क्या, ताम्र निधि मतलब 2। आहार संस्कृति की बात करें, आहार में तो हम बनास, आहार बनास, तो आहार जो आ जाएगा आहार बनास, तो ये है आहार कंचल, ठीक है। तो हम यहाँ पर डी बराबर लगाएंगे 1। तो 4 3 2 1 कहाँ पर जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, ठीक है, कथन और कारण है, ठीक है। स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक या फिर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, कौसाम्बी या तक्षशिला। तो आपका उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है आपका, अतरंजी खेड़ा हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने बताया था ना हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को हम लेके जाएंगे उत्तर प्रदेश के एक जिले में जिसको कहते हैं एटा, एटा के पास में जो है अतरंजी खेड़ा से आपके क्या मिले हैं, लौह स्थल लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, आकर प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, तो अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, कोपनेहेंग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिस्तरीय विभाजन किया था, यानी कि जो अंकल थे कोपनेहेंग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण मतलब पत्थर, कांस्य मतलब कांस्य और लौह मतलब पत्थर, कांस्य और लौह युग त्रिय युगी विभाजन किया है, किसके द्वारा किया था, तो हमारे अंकल थे जिनका नाम था थॉमसन ने किया था। तो आपसे पूछा जाए कि पत्थरों के औजारों के आधार पर या फिर धातु के प्रयोग के आधार पर कोपनेहेंग संग्रहालय के अनुसार त्रिस्तरीय विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है, थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा इसका, इसका बी अतरंजी कीड़ा और इसका ए क्या हो जाएगा, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम पुरा या कहें पुरा पाषाण युग जिसको मैंने बताया ना, उल्लू बनाने के लिए आपको कुछ भी करेंगे, पुरा का पूर्व कर देंगे हरामखोर की औला दिए और प्रस्तर को पत्थर कर देंगे या फिर पाषाण कर देंगे, ताकि आपकी ये क्या ले लें, आपकी ये ले लें, क्या लें, आपकी दिमाग की हटा दें, यानी कि खबर ले लें, समझ रहे ना, समझ पा रहे ना। तो ये आपकी लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, आपका जो है अटेम्प्ट है वो लेना चाहते हैं, ताकि आप जो है वो जगह ना ले पाए, मतलब आपकी जो जगह है वो ले लेंगे, कौन ले लेंगे, जिनको ये अंग्रेजी वाले होंगे ना, अंग्रेज लोग हैं वो ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन लोगों से बचना है, तो आप घर से इतना लेके चलो कि आपकी कोई जो है ले ना पाए, क्या ना ले पाए, आपकी सीट जो है पक्की है पहले से, वो कोई ले ना पाए, तो आपको क्या लेना है, अपना सीट लेना है। तो कैसे लोगे, इन उल्लू जो बनाने वाले लोग हैं उनसे बचना है। तो यहाँ पे हमने बताया उल्लू बना रहे हैं ना, आपको कैसे बना रहे हैं, इन्होंने पुरा को कर, पूर्व को कर दिया पुरा, पूरा कर दिया इन्होंने काम, जैसे पुरा लगाया
पिरस्तर को पत्थर बना दिया। तो ये है, इस तरह से उल्लू बनाते रहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा फोकस करना है। तो भारत में प्रथम प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिसने जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किस अंकल को दिया जाता है? तो H.D. संकालिया, ये कविता कही जाती है ना, H.D. संकालिया, या बार्किट, या डे टेरा पैटर्सन, ठीक है, डे टेरा पैटर्सन, या R.V. फुट, चल फुट वाले नहीं, ये फुट है इनका नाम है अंकल का, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी, R.V. फुट, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, भैया इनको कब मिला, तो इनको मिला कब था, तो भैया 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण कालीन उपकरण खोजा था इन्होंने। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पापा यानी कि जनक यानी कि फादर कहा जाता है, या अब्बा कह दो या फिर फादर कह दो, ठीक है, अब्बा अब्बा बोल सकते हो, कविता सुनी होगी ना आपने, कुछ ऐसा काम कर जाओ कदरदान के हर गली कूचे से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान, इसका मतलब अगर गहराई से सोचे तो बहुत गंदी बात वाला आता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो देखते हैं, प्रागैतिहासिक का पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, यानी पापा किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पुरातत्व क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिक, ठीक है, आर्कियोलॉजी। चलिए देखते हैं, H.D. संकालिया, ठीक है, H.D. संकालिया, ए कनिंगम, या फिर A.R. अल्चिन, या रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर जो अंकल हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम क्या है यार, इनका नाम जो है, हाँ, ए कनिंगम के द्वारा इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, ए कनिंगम को क्या कहा जाता है, भारत प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी कि पापा यानी कि फादर कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन थे भैया, पुरातत्वविद, एक इतिहासकार, या भूगर्भ वैज्ञानिक, तो भूगर्भ वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है, पुरा वनस्पति शास्त्री तो नहीं थे, पुरातत्वविद थे, कौन आपके, जियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कि ये पापा थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑफ द रॉबर्ट ब्रूस फुट, 22 सितंबर 1834, 29 दिसंबर 1912, वॉज द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड द आर्कियोलॉजिस्ट हु द कंडक्टेड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द प्री हिस्टोरिक लोकेशन इन इंडिया फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अंग्रेज की वो थे। चलिए थोड़ा देखते हैं, तो इनको क्या कहा गया, ये पुरातत्वविद थे, यहाँ पर लिखा है ना आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, मूल रूप से क्या थे, एक भूवैज्ञानिक, तो भूवैज्ञानिक थे, एक पुरा वनस्पति शास्त्र नहीं थे, एक पुरातत्वविद नहीं थे, लेकिन अभी ये गलत हो जाएगा, ये क्या थे, एक पुरातत्वविद थे, ठीक है। चलिए, नवादा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, K.D. वाजपेयी, B.S. वांगकंकड़ ने, H.D. संकालिया ने, या मार्टीमर व्हीलर ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा H.D. संकालिया। आपने छोटे पे मुझे मम्मी पहली सुनाया करती थी, ऊपर से गिरा कालिया और बच्चों ने उठा कालिया, तो वही वाला, ये कालिया नहीं है, ये हंसमुख धीरज लाल संकालिया इनका नाम है, तो ये कालिया नहीं है, संकालिया इनका नाम है। तो इन संकालिया ने क्या किया था, नवदा टोली का उत्खनन H.D. संकालिया के द्वारा किया गया था। नवदा टोली भैया कहाँ पड़ता है, मुबारकबाद, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए, उत्तर ये आपके बता दे रहा हूं, आप इनको देख लीजिए, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, किस जगह के द्वारा, मेसोपोटामिया के द्वारा, मध्य अमेरिका में, या फिर भारत में। तो भारत में किया गया था, कहाँ पर भैया, तो आपको पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए उसको कहा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कपास का खेती सबसे पहले हुआ माना जाता है।
प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? नियंडरथन। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको। ये आपका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत में। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? नियंडरसन, क्रो मैग्नन, तो क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता है। भारत में मानव का सबसे पहले सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नीलगिरी से, शिवालिक पहाड़ी से, नल्ला मल्लई पहाड़ियों से, या फिर नर्मदा घाटी से। तो आपका इम्पोर्टेंट है नर्मदा घाटी से क्या मिलता है भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? नर्मदा घाटी से। तो ये नर्मदा घाटी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, या चट्टानों की? तो आपका उत्तर हो जाएगा फॉसिल्स की, जो जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र का निर्धारण करने के लिए आपका कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 77। ताम्र पाषाण के यानी कि चालकोलिथिक या मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवदा टोली और माहेश्वर से, सतना और रीवा से, भीमबेटका और मंदसौर से, या फिर आहाड़ और गिलूंड से? तो आपका फिर से बता दूं, ताम्र पाषाण या चालकोलिथिक मालवा संस्कृति के जो है कहाँ से मिलते हैं? तो आप अंदाज लगा सकते हैं नर्मदा घाटी कहाँ पर हो सकती है, तो नर्मदा घाटी जो हो सकती है आहाड़ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आहार और गिलुंड, आहार और गिलुंड से आपका ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बता दूं मैं आपको, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक के विधिक लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? घघरिया से, गुलेरिया से, कायथा से, या फिर नागदा से? तो नागदा से मिले हैं भैया। नागदा कहने हैं उत्तर मध्य प्रदेश का एक 53वां जिला बन गया है। पहले नागदा भारत के राज्य मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के अंतर्गत था, पर अब यह एमपी का 53वां जिला बन गया है। ठीक है, नागदा। चलिए तो यहाँ से क्या मिले हैं, ये प्राचीनतम जो है लोहे के उपकरण मिले हैं। ठीक है, गल गए हैं लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। ठीक, नागदा, नागदा ये पहले उज्जैन में पढ़ा करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लेकिन प्रस्तर उपकरण नहीं मिले हैं? फिर से बता दूं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से ताम्र पाषाण कालीन तो माल मिला है लेकिन प्रस्तर यानी कि पाषाण काल के उपकरण नहीं मिले, यानी कि पत्थर का कोई औजार नहीं देखने को मिला है? तो वो हो जाता है आपका आहार संस्कृति, या आहार संस्कृति जो कि राजस्थान का पड़ता है। क्षेत्र कौन सा? आहार वाला क्षेत्र जो पड़ता है राजस्थान का, उदयपुर वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, आहार संस्कृति के लिए। तो यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन तो मिलते हैं लेकिन पाषाण कालीन नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आहार। गोफ्राल निम्न में से कहाँ स्थित है? स्वात घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, सिंधु घाटी में, या गंगा नदी घाटी में? तो मैंने आपको बताया था गोफ्राल जो पड़ता है वो पड़ता है आपका, जहाँ तक अंदाज है, गोफ्राल जो पड़ता है वो गोफ्राल और बुरजोम जो है एक साथ पड़ते हैं जहाँ तक अंदाज है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये गोफ्राल है, श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर, और बुरजोम ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्हाट इज द फाउंड इन गोफ्राल, गोफ्राल। ठीक है, तो द फाइंडिंग द इंक्लूड द कॉपर वेंगल, कॉपर पिन, स्टोन सेल्स, स्टोन पॉइंट, रिंग स्टोन, पाउंडर्स, ठीक है, बोन टूल, ठीक है, स्कैप, और ये है आपका पॉलिश बोन, नीडल, वीड्स। तो इस तरह से कुछ जो है माल मिला है कहाँ से? आपका गोफ्राल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वात घाटी। यहाँ पर आपको दिखा दूँ स्वात घाटी, ठीक, कहाँ से मिलता है ये गोफ्राल, कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है? आज का उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्वात घाटी। पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है कहाँ पर? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में? आपका संगोल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो संगोल घाटी जो स्थित है वो है आपका पंजाब वाले क्षेत्र में। संगोल की बात करें, संगोल इज द फॉर्म फेम्ड द संगोल म्यूजियम, इट बिलोंग टू द सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पन, हड़प्पन विच इज द रिटेन्ड बाई द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ठीक है, तो कहाँ पर पड़ता है संगोल? डिस्ट्रिक्ट साहिब, पंजाब। ठीक है, तो आपका जो है फतेहगढ़ साहिब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका संगोल देखने को मिल जाता है। किस लिए फेमस है ये? संगोल म्यूजियम है, किसमें?
बिलोंग टू सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पियन विच इज द रिटेन्ड बाई द आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ASI, ठीक है। तो यहाँ पर है वेयर इज द गुफरा लोकेटेड, तो साउथ ईस्ट ऑफ द श्रीनगर इन द तहसील टाउन ऑफ द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग इतना ही रखते हैं। पुरातत्व मतलब क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजों की भाषा में, हाँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है जिसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, इसके लगभग 80-85 क्वेश्चन काफ़ी है। मैंने उम्मीद है कि आपका कभी भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर बनता है तो लपक के आप क्या लेंगे, लपक के जो है आंसर को लगा देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन लगभग 200-300 उसमें रखूंगा, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है इसका वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जो कि 50,000 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत ही आगे जारी रखूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आनंद थोड़ा नहीं बहुत आया होगा, और इसी तरह से आनंद लेते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए या फिर गाजियाबाद रहिए। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।